हेलो हेलो चेक हेलो 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 ऑडियो क्लियर है आवाज क्लियरली आ रहा है क्या आपको कोई डाउट कोई शक नहीं ना चेक हेलो 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 चेक हेलो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है ना राइट चलिए सब लोग सेटल हो जाइए एवरीवन सेटल ऑन फास्ट वो क्या है वो साइड में इधर क्या है वो क्या है वो नहीं 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 उधर क्या टेबल पे कॉर्नर पे ये क्या है यही yeah. अच्छा अच्छा टीवी का लेवल है वो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बेस्ट हम्म साइलेंट पे दो चैनल के लिए हाँ दो टैबलेट लो ठीक है कोई बात नहीं मैं इसमें देख लेता हूं इसमें देख लेता हूँ मैं ये क्या है स्टार्ट करते पाँच मिनट लेट हो गया भाई इधर मैं बीस मिनट ओपन कर देता हूँ उधर एक्सपर्ट ओपन कर विनोद रेड्डी ओपन कर ठीक है चलो स्टार्ट करते हेलो हेलो चेक हेलो हेलो वही सीखो हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं कोई अभी वही सीखो हो रहा है क्या ऑनलाइन में शुभम नहीं है इधर ओके ठीक है स्टार्ट करें यस गाइस स्टार्ट करें क्या स्क्रीन इधर का जब मैसेज आता है वॉइस रिलेटेड तो तुम देख लो जो भी रहेगा चलिए स्टार्ट कर सब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन अब आप बोलोगे गुड आफ्टरनून है ना भाई खाने के बाद तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना ही चाहिए आपने है ना यू आर required टू हैव दिस विशेष गुड मॉर्निंग एवरी वन देखिए जो भी आपके क्वेरीज है काफी कमेंट्स में पढ़ रहा था ऑनलाइन में बहुत सारी क्वेरीज है भाई सब सॉल्व हो जाएंगे पहले आप सेटल हो जाइए मेरा आवाज मेरा ऑडियो मेरा वीडियो आप तक क्लियरली आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों, एक बार बताइए जितने भी लोग ऑनलाइन में है मै ऑडिबल टू यू ग्रेट ग्रेट ग्रेट

क्या सिर्फ आपको एग्जामिशन का उम्मीद है बस सर एग्जामिशन और आगे का आगे देखते नहीं ना कुछ ऐसे लाइफ लेसन ले जाएंगे जो एक्चुअली जिंदगी भर काम में आएंगे ठीक है वॉइस इंक्रीज कर लो बोल रहे हो ऑनलाइन वालों ऑनलाइन इधर नहीं फेस टू फेस में नहीं इधर ठीक है इधर वॉल्यूम सबको आवाज आ रही है नहीं। आवाज नहीं आ रही तुमको नहीं आ रही इधर तक हाँ दोगे यार तुम मेरे इतने इधर नजदीक हो मुझे आवाज आ रही है पूरी आ रही है ना हाँ ऑनलाइन <coughs> में सिर्फ बड़ा दो वॉल्यूम चलिए तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग कुछ बातें जो आपके दिल में रहेगी वो हमने पेपर पर लिखा है और विनोद सर ने इसमें से काफी कुछ जो कवर किया वो मैंने निकाल दिया है जो हमारे लिए एप्लीकेबल बातें रहेगी वही आपके स्क्रीन पर इधर दिख रही है आपको ठीक है आई एम श्योर आपने विनोद सर का लेक्चर एंजॉय किया है सुबह आज एवरीबडी yes, विनोद रेड्डी सर कॉस्टिंग का लेक्चर घासू तरीके से आपके स्कोर आने वाले एक टाइम था ग्रुप वन में हम लोग दोनों थे फिर मेरा सब्जेक्ट ग्रुप टू में आ गया तो मैंने उनका भी सब्जेक्ट ग्रुप टू में ला लिया yes, <coughs> अब हम दोनों ग्रुप टू में हैं, ठीक है थीके। तो <coughs> बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा और नो no डाउट नो डाउट यहाँ पर जितने भी क्वेरीज है अब मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्वेरीज फिलहाल मेरे जो यहाँ पे एक शीट रेडी किए इस शीट के डिस्कशन को अगर आप सुन लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेरीज जो आप ऑनलाइन में पूछ रहे हो सभी कवर हो जाएंगे और जो लोग मेरे फेस टू फेस बैठे हैं सामने वो लोग तो ऑब्वियसली विथ पेशेंस शांति से बैठे उनको पता है कि सामने जो खड़ा है ये डेफिनेटली अपना हर कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन से लेके क्वेरीज तक हर चीज़ आंसर कर देगा तो ऑनलाइन वालों थोड़ा पेशेंस रखिए और बस अच्छे से सुनिए मेरी बातों को यह है सी इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पेपर सिक्स का पार्ट ए दोस्तों आपको पार्ट बी भी आता है वो है एस एम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा मैं अगर स्टूडेंट भाषा में बात करूं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्योरली थियोरटिकल है नो डाउट बहुत स्कोरिंग भी है और कंपेरेटिवली बहुत ही आसान भी है कंपेरिटिवली मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं स एफ एम के साथ कंपेयर करो अब एफ एम ईजी नहीं क्या सर इसका मतलब ईजी हम बनाएंगे आप डरने की जरूरत नहीं है आपको ईजी हम बनाएंगे कितना भी दुनिया के लिए कोई भी टफ रहेगा हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान रहेगा ठीक है तो अब हम करने के वाले हैं तो थोड़ा सा इस शीट के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डील कर लेते हैं पहली चीज जो सबके मन में ड्यूरेशन ऑफ द बैच आई एम श्योर कि आप सबको पता ही होगा इसका आंसर ड्यूरेशन हमारा बैच का एंड डेट हमने क्या टारगेट किया है फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ये आपके बैच का टारगेट डेट है और इस टारगेट डेट के प्लस माइनस वन टू डेज आपका बैच कंप्लीट होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी ठीक है तो बैच का कंप्लीशन डेट ड्यूरेशन डेट एंड डेट बोल देंगे डायरेक्टली एंड डेट क्या रहेगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट आर यू क्लियर अबाउट दिस सेकेंडली ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है तो ये दो अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है बट प्राइमरली ये एप्लीकेबल रहेगा जनवरी 25 के लिए सप्टेम्बर 24 में कोई है इधर जो एग्जाम दे रहा है ओके okay? तो ये बैच सप्टेम्बर 24 के लिए कंडीशंस के साथ अप्लाई रहेगा और कंडीशन क्या है आपका अगर आप सप्टेम्बर ट्वेंटी को टारगेट कर रहे हो तो मेरे साथ साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी चलनी चाहिए और जब बैच में आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो मेरी तरफ सुन रहे हो आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको मेरे बैच के अंदर जो सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो यह आपकी नजरों के सामने से लास्ट टाइम जा रहा है यह मैं किसके लिए बोल रहा हूं सप्टेम्बर ट्वेंटी क्योंकि आपको बाद में सेल्फ स्टडी के लिए अलग टाइम नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट एंड फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ सेबर शायद आपका एग्जाम रहने वाला है ऑब्वियसली मिड सप्टेम्बर आई डोंट एक्सपेक्ट तो ऐसे सिनेरियो में आपको डेफिनेटली सितंबर 24 के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिसके लिए आपके पास बहुत टाइम है साढ़े पांच के बाद और आप बोलोगे साढ़े पांच के बाद बहुत टाइम कहां होता है सर बारह बजे तक पढ़ो बीच में ग्रैप लो एक घंटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है सप्टेम्बर में एग्जाम दे रहे हो वैसे भी इतना नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे जनवरी ट्वेंटी वाले थोड़ा सा स्लाइटली रिलैक्स बैठ सकते आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस पे ध्यान देना है होमवर्क करने हैं और उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपका ग्रुप वन अभी अभी हुआ है तो साढ़े पांच के बाद हम ग्रुप वन को रिवीजन के लिए कम से कम टू आवर्स देंगे वन से टू आवर्स देंगे डिपेंडिंग ऑन आपके पास साढ़े पांच से लेकर कितना टाइम बचता है और कौन से दिन कितने होमवर्क है एफ एम के हद तक सर होमवर्क होते हैं क्या डेफिनेटली यस yes. तो सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर के साथ साथ जनवरी ट्वेंटी फाइव के लिए एग्जाम ये बैच अपलीबल रहेगा एफ एम में एवरी डे समझ लो आपको होमवर्क रहेगा आज का पहला दिन छोड़ा Every day me, homework, believe, so? तो एवरी डे आपको होमवर्क रहेगा एंड बिलीव मी होमवर्क आई बिलीव इज द क्रॉस चेक ऑफ योर क्लासेस हियर डोंट यू थिंक सो भैया यहां पे तो दुनिया का कोई भी टफ क्वेश्चन ला लो मेरे साथ इजी जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा ऐसे कि आपको लगे हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही होगा डेफिनेटली सर जो बोल रहे एकदम करेक्ट है और शायद मैं भी सोचू तो ऐसे ही सोचू बट जब घर जाते हो ना और एक क्वेश्चन ओपन करते हो आप होमवर्क वाला बिलीव मी आप ब्लैंक हो जाते हो तब करना क्या होता है बंद कर दो सो जाओ क्या करना चाहिए और ये बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है है ना मेरे बस की बात नहीं है होशियार बच्चों के लिए रहेगा बंद सो गए क्या ये एक्सपेक्टेड है आपसे बॉस आपको जितना आता है करेक्ट इनकरेक्ट मत सोचो आपको जितना आता है ना You have to put in that efforts on that paper, and you have to solve it. I don't care whether it is correct or incorrectly solved. आई केयर यू अटेम्प्टेड आप क्या बोल रहे हो समझ रहे क्या आपको आपने कोशिश करना ये प्राइमरी ड्यूटी आपकी दोस्तों आपने कोशिश नहीं किया तो डेफिनेटली इट्स योर मिस्टेक बट अगर आप कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके इस सब्जेक्ट के स्कोर्स इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ये मेरा वादा है कि आपका बहुत अमेजिंग रहेगा बहुत अमेजिंग रहेगा तो जनवरी 25 वाले टेंशन लो होमवर्क करना है आपको और एंड में जैसे जैसे बैठ जाएगी आगे डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि आपको आगे आगे क्या क्या करना है लास्ट डे ऑफ दी बैच आई विल डिस्कस विथ यू कि आपको रिमेनिंग ड्यूरेशन में क्या करना है अभी से बता दो सर कोई जरूरत नहीं है हाईली मोटिवेटेड हो आज डीमोटिवेटेड मत बनना बराबर ना स्टेप बाय स्टेप देखो ना आपने एकदम लंबा रास्ता देखोगे तो कैसा चलेगा कभी ऐसे चढ़ाव पे साइकिलिंग की आपने कभी आपने ट्रेक्स किया ऐसे जिसमें ऐसे इंक्लेनेशन हाई है तो हम कभी भी एकदम आगे देख के चलते हैं क्या हम सिर्फ नीचे देख के चलते हैं क्योंकि एकदम आगे देखेंगे ना तो बैठ जाएंगे साइड में होता है ना ऐसे अरे एक्सरसाइज करते हो क्या भाई कुछ वर्कआउट करते हो वक्त हम तो सीए कर रहे हैं ना रो लो रेलिवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट रेलिवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन सी ए फाइनल वॉट यू फील सी ए फाइनल में ये सब्जेक्ट का रेलिवेंस है क्या वहां पर ये पूरा का पूरा सौ मार्क का सब्जेक्ट बनता है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए एफ एम के नाम से जो वापस से मैं ही पढ़ाऊंगा आपको एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा सौ मार्क का क्वेश्चन है पेपर वन से पेपर सिक्स वहां पर भी मिलेंगे आपको वहां पर ये पेपर टू आता है पेपर टू पूरा हंड्रेड मार्क के लिए अगर सी ए फाइनल में ये सब्जेक्ट हंड्रेड मार्क के लिए तो आपको क्या लगता है दोस्तों थोड़ा सा मैं बायसली बात करूंगा एस एम के साथ कंपेयर करूंगा आई डोंट वॉन्ट टू शो एस एम कम है बट अंडरस्टैंड आई टू से यू फाइनल फाइनल में है क्या मैनेजमेंट के कोई पेपर है क्या नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी ए फाइनल का पेपर है क्या ये पूरा सौ मार्क का पेपर है इसका मतलब इंस्टीट्यूट किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है आप एफ एम को इंपॉर्टेंस दे रहा है बहुत सिंपल सी बात है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हो आप सीए बोलते हो तो आपके पास एज अ करियर ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं इक्विटी रिसर्च इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मोर्जर्स ड्यू ड्यूटेजेंस आपने बस इनके नाम भी सुने नहीं होंगे शायद ये सब आपके करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जब आप बोलते हो फाइनेंस में करियर करना है तो डेफिनेटली आई विल से रेलिवेंस इन सी ए फाइनल तो है ही है पूरे सौ मार्क का रिलेवेंस है उसके साथ साथ आपके करियर में भी आई कैन शो यू मेनी चार्टेड अकाउंटेंट्स डूइंग नथिंग कॉल्ड एज टैक्सेशन नथिंग कॉल्ड एज ऑडिटिंग थिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग दे आर डूइंग ओनली वन थिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आजकल तो जैसे जैसे आपका ए आई वगैरह सब कुछ आ गया फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह भी बहुत फेमस हो चुका है आपको वाला मॉडलिंग नहीं रहता है आप जो दिमाग में मॉडलिंग बोल रहे हो वो मॉडलिंग नहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है वो क्या होता है ऑब्वियसली आपको थोड़ा डेवल अप करना पड़ेगा उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा आपको समझ जाएगा यह सब आपके करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं जब आप फाइनेंस में स्पेशलाइज करते हो वट इज नो नोट बुक गाइस आपको मेन बुक मिले रहेंगे ये जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं इनको बाइंडेड नोट्स मिले हैं जानबूझकर आपको क्लास में कन्वीनियंट होता है इसलिए दिया है जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं लाइव एट होम या लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं ये लोगों को परफेक्ट बाइंडिंग वाले नोट्स मिले अगर आप इन नोट्स को ओपन करोगे तो आपको इन नोट्स में कुछ जगह ब्लैंक मिलेगी मेरे पास है इनका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरे नोट्स है जो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है और इसी के अंदर ये काफी जगह ऐसे ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर तो ये ब्लैंक स्पेसेस किसके लिए आंसर लिखने के लिए वहीं पर क्वेश्चन है और वहीं पर आंसर है इसका मतलब आपको जो ढूंढने में कष्ट लगते हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर कहां ढूंढू कौन से नोटबुक में रहेगा नथिंग टू वरी एक ही बुक है इसी को संभालो इसी में करो इसका मतलब एफ के लिए आपको कोई सेपरेट नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है ऐसा बोल सकते हो बट एक चैप्टर आगे आएगा जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग क्या नाम है कैपिटल बजटिंग उसके लिए आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा उसके लिए यहां पर स्पेस नहीं दिया है दो रीजन थे उसके बड़े-बड़े तो कि उस अलग बनता है तो आई वॉन्ट यू कि आप ब्लैंक पेपर पर ही उसको ट्राई करो पूरी तरीके से ठीक है सो ऑब्जेक्टिव यू वन चैप्टर जिसके लिए स्पेस नहीं दिया है। वहीं पर लिखना है इसका मतलब ओनली वन बुक कंसेप्ट रहेगा वो आपके लिए नो नोटबुक बुक कंसेप्ट इज वन बुक कॉन्सेप्ट आपके लिए नोट्स अपडेटेड है क्या सर आपने कितने लोगों ने ये सुना है कि मे 24 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर वॉज टफ वाओ सो मेनी ऑफ यू वेरी गुड वेरी गुड इट वॉज टफ इट वॉज इजी इट वॉज एवरेज ये हम लोग इस बैच के लास्ट डे को डिसाइड करेंगे क्योंकि इस बैच के लास्ट डे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मे 24 एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करेंगे कौन सॉल्व करोगे आप सॉल्व करोगे कहां सॉल्व करोगे मेरे साथ सॉल्व करोगे क्लास के अंदर सॉल्व करोगे क्योंकि आपको नोट्स के हद तक एक और नोट्स मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं एफएम एम बुक ये क्वेश्चनियर बुक के अंदर लेटेस्ट एग्जामिनेशन मे ट्वेंटी का एग्जाम कवर्ड है और इसके पेपर कवर्ड है पूरा का पूरा आर टीपी और एम टीपी वन एम टू दोनों कवर्ड है मुझे बोलो आपके जस्ट पहले वाली बैच और अभी वाली बैच आपकी डिफरेंस है उन्होंने क्या मटेरियल उनको एक्स्ट्रा मिला था इंस्टीट्यूट एंड से एक तो उनके एग्जाम का आरटीपी मे ट्वेंटी फोर का आरटीपी मे ट्वेंटी फोर का एम टीपी वन मिला रहेगा उनको और एम टीपी टू मिला रहेगा और डायरेक्टली मे एग्जामिनेशन मिला है उनको बराबर चार चीजें आपके नोट्स में अपडेट कर दिए हम लोग मे एंड में खड़े हैं और मे 24 का पेपर बकायदा आपके नोट्स में प्रिंट कर कर रेडी है अगर किसी को गलती से भी पुराने एफएम एम क्वेश्चनियर के नोट्स मिले रहेंगे नथिंग टू वरी 16 पेजेस एक्स्ट्रा है जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब एम टी के वो 16 पेजेस मेरे गूगल ड्राइव में भी मैंने शेयर कर दिया है तो आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं इंस्टीट्यूट के, के वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं है मेरे गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा लेक्चर्स के लिंक होते ना वो गूगल ड्राइव के लिंक में आपको वो नम वो जो एक्स्ट्रा 16 पेजेस है वो भी मिल जाएंगे स्वम टीपी आरटीपी मेन पेपर सब कुछ लेटेस्ट अपडेटेड है तो नोट्स अपडेटेड रहेंगे क्या डेफिनेटली पंद्रह दिन पहले जो एग्जाम हुआ वो भी अपडेटेड है नाउ एमसीक्यूस का क्या ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज अ न्यू पैटर्न दैट एमसीक्यूस विल कम फॉर 30 मार्क्स इन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो ऑब्वियसली वो 30 मार्क्स पूरे के पूरे एफएम के रहेंगे क्या

इनफैक्ट एम टीपी के वक्त ही दे दिया था उन्होंने आर टीपी के वक्त दे दिया था क्या किया था उन्होंने स्टडी नाउ केट टू डू इमीजिएटली हमने क्या किया एम टी पी वन एम टीपी टू आर टीपी सब के यूट्यूब पर भी ले लिए ताकि स्टूडेंट्स को भी एम टीपी का सपोर्ट में जो केस स्टडी बेस है उसका सपोर्ट भी मिल जाए और वो एम टीपी वन एम टीपी टू एंड आरटीपी के स्टडीज भी आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है केस स्टडी बेज एमसीक्यूज भी कैसे कैटर होते हैं वो भी हम लोग यहां पर क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे तो एमसीक्यूज यस क्वेश्चनर क्वेश्चन बुक में वो भी कवर्ड है नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब कितने रहने वाले सर ये क्वेरी इधर भी था ऑनलाइन में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स रहने वाले सो गाइज टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब विल बी सेवन लेक्चर्स बट फाइव के बाद क्या होगा फाइव सिक्स ये दो लेक्चर्स जो रहेंगे और सेवन भी ये साइड बाय साइड ऐप में भी चलेगा और यूट्यूब पर भी चलेगा हमारा ऐप कौन सा है वो भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा डोंट वरी और ये सब डिटेल्स जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ऑफलाइन वालों के लिए भी एप्लीकेबल है क्यों एप्लीकेबल है क्योंकि ये यूट्यूब के लेक्चर्स आपके लिए भी अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर इसके साथ साथ ऐप आप, आपका क्या काम है आपका तो आपको बैकअप मिलता है लेक्चर्स का बैकअप फेस टू फेस वालों को जो मिलता है वो भी उनको कहा देखना है मेरे ऐप पर ही देखना है सो डेफिनेटली सेवन लेक्चर्स पूरे के पूरे youtube पर रहेंगे बट आई इंसिस्ट आप पांच ही लेक्चर्स youtube पर अटेंड करो और तुरंत उसके बाद आप क्या करोगे ऐप पे शिफ्ट हो जाओगे अगर आपको कोई ग्लिच कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऐप पे तो हम करेक्टिव एक्शंस वो पैरेलल दो लेक्चर में ले पाएंगे ताकि आप स्मूथली ऐप पर शिफ्ट हो जाओ ठीक है देन मेरे नोट्स में एम टीपी आर टीपी कवर्ड है क्या मेरे नोट्स में आईसीआई का स्टडी मैट कवर्ड है क्या दोस्तों आंसर है यस इट इज कवर्ड नथिंग टू वरी एट ऑल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं इसका मतलब सर ये बुक कर लिया तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्या एब्सिल्यूटली नो no. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ मेरा क्वेश्चन बुक और मेरा नो नोट बुक कॉन्सेप्ट जो मेन बुक है वो कीजिए सर सिर्फ मेन बुक किया तो चलेगा क्या आप गारंटीड बोलता हूं पास नहीं होने वाले हो अगर सिर्फ मेन बुक किया तो आई एम टेलिंग यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली गारंटी क्या है पास नहीं होगे और क्वेश्चन के साथ करोगे तो गारंटी है कि आप पास होने वाले हो सो दैट दीन्स क्वेश्चन कोई ऑप्शन बुक है क्या नहीं है डे वन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन बुक इज कंपल्सरी बुक काफी लोग क्वेश्चन बुक को एक्स्ट्रा बुक मानते हैं एक्स्ट्रा नहीं है ये साइड बाई साइड आपको कंप्लीटली मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना है और वो पॉसिबल है मैं करवाऊंगा डोंट वरी इसलिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम क्लास लेने वाले सिर्फ मेन बुक ही करना ना रहता था तो ऑब्वियसली पंद्रह दिन पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होता था तो इसका मतलब एक्सक्लूसिवली फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन बुक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सोशल मीडिया आप कहा प्रेजेंट हो सर सब जगह प्रेजेंट हूं मैं मेरा यूट्यूब चैनल है सी ए प्रशांत सारडा के नाम से आप मोबाइल ओपन करके सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन हिट कर लो उसमें कोई भी सीए का कंटेंट नहीं मिलेगा आपको बट जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे उसका सॉल्यूशन सोशल अवेयरनेस फाइनेंशियल फ्रॉड्स वो कैसे हुए फ्रॉड्स उन सब का केस स्टडी मतलब ही रियल लाइफ नॉलेज आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर ठीक है तो नाम है सी ए प्रशांत सारडा ये यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है बेल आइकन भी हिट करना है क्योंकि ये स्टडी के साथ साथ आपको रियल लाइफ में क्या हो रहा है पता होना चाहिए हर्षद मेहता स्कैम विजय माल्या स्कैम पी एन बी बैंक का स्कैम एवरी काइंड ऑफ स्कैम विच यू हर्ड आई हैव कवर्ड अप एज अ केस स्टडी देर इज अ प्ले लिस्ट कॉल्ड एज फ्राइडे लेक्चर्स और फ्राइडे लेक्चर के प्ले लिस्ट में आपको ये सभी चीजें दी जाएंगी मुंबई में परसों दस दिन पहले बीस दिन पहले जो बिलबोर्ड गिरा था वो भी केस स्टडी कवर किए, तो डेफिनेटली आपको सोशल अवेयरनेस मिलेगा जो न्यूज पेपर में आप पढ़ते हो उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं और आपको केस स्टडी के फॉर्म में ला के विद इन टू थ्री मिनट्स फोर मिनट्स समझाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो भी यूजफुल रहेगा यूट्यूब पर नॉलेजेबल चीजें भी होती है वो भी देखना चाहिए यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर हूं मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने की जरूरत है क्या सर डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है बट जो जो चीजें मैंने आपको बोली है उसका शॉर्ट वर्जन मेरे इंस्टा पर भी होता है ऑब्वियसली विथ सम फन एलिमेंट तो आपको अगर ये पसंद है तो करो नहीं तो कुछ भी मत करो और अगर इंस्टाग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है तो ओपन भी मत करो थोड़ा पसंद है बट कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मुझे ब्लॉक कर दो चलेगा बट अल्टीमेटली टाइम पास अगर आपका बहुत ज्यादा होने वाला होगा तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आना भी मत एज फार एज योर ाम इज कंसर्न डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर श्योर देर इज नो चॉइस बिकॉज यहाँ के हैंड रिटर्न नोट ये जो दिख रहे हैं आपको यह notes, यह पूरे नोट का नाम ही मैंने क्या दिया है पूरे नोट भी शेयर होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर बाद में बोलना मत सर प्लीज कैन यू शेयर द नोट्स इसलिए अभी निकालो मोबाइल फोन और सर्च कर लो सी ए प्रशांत सरडा डैश इंटरमीडिएट एफ एम टेलीग्राम पर सी ए प्रशांत सारडा डैश इंटरमीडिएट एफ एम मिला क्या बस सब्सक्राइब कर लो उस पर ही अपडेट्स मिलेंगे आपको सब कुछ और अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है और हम लोग कोई क्लिक्स करते तो वो फोटो भी उसी पर शेयर हो जाता है तो मेरे मोबाइल के फोटो आप तक कैसे पहुंचेंगे टेलीग्राम के थ्रू पहुंच जाएंगे ठीक है इसके अलावा बाकी फेसबुक वगैरह मैं कोई यूज करता नहीं उधर के सब वैसे भी अकाउंट्स ओपन भी करने का वक्त नहीं है ना आपको ना मुझे वो आउटडेटेड हो गया है नोट्स डिस्पैच बिगेस्ट क्वेरी ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके नोट्स डिस्पैच गाइज नोट्स की हद तक लेटमी टेक ऑलमोस्ट फाइव डेज टू रीच योर डेस्टिनेशन मैक्सिमम सेवन डेज अगर आप कहीं पर भी कॉर्नर में हो तो सात दिन में आपके नोट्स तो पहुंच ही जाएंगे नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपने कब ऑर्डर प्लेस किया और आपके नोट्स कब आपके पास पहुंच रहे अगर आपको नोट्स तुरंत चाहिए तुरंत खरीदना है तो आप डेफिनेटली हैंड डिलीवरी ले सकते हो हमारे ऑफिस में से बट अदरवाइज आपको नोट्स जो है डिस्पैच करके आपके घर तक मिलना है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स सम पेशेंस सम समटाइम उस वक्त सर आप कैसे पढ़ाओगे तो हम कैसे करेंगे सर ये तो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली है आपको प्रॉब्लम आने वाला है उसके लिए हमने एक ही सोल्यूशन रखा है और वो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है क्या करने वाले हम लोग आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए आपको एक फोल्डर मिलेगा गूगल ड्राइव का उसमें कॉस्टिंग सभी के नोट्स का सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है मेरे नोट्स के तीन चैप्टर के सॉफ्ट कॉपी आपको उसमें मिल जाएंगे तो आपके तीन चैप्टर होने तक तो आराम से आपको आपके नोट्स तो ही जाएंगे तो डिस्पैच ऑफ नोट्स नहीं हुआ रहेगा तो डर मत डिस्पैच तो पिछले पंद्रह दिन से कंटिन्यूसली शुरू है बट होता है ऐसे कि इंडिया भर से ऑर्डर आते तो पहुंचने तक आपको टाइम लग जाता है काफी बार तो पेशेंस रखिए और मेन वाइल आपके गूगल ड्राइव में जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स है उसको आप रेफर कर सकते हो गूगल ड्राइव आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आई एम नॉट श्योर कि वी स्मार्ट के चैनल पे हमने डाला कि नहीं डाला एक बार चेक कर लो नहीं तो विनोद रेड्डी चैनल पर तो डेफिनेटली डाला है ठीक है तो वहां से आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे डिस्पैचेस विद इन फाइव सेवन डेज आराम से आपके घर तक पहुंच जाएगा डाउट सॉल्विंग अगर क्लास में बैठे हो और हेड डाउन नहीं कर रहे हो तो डाउट नहीं आएंगे आपको ना भाई सबको उठाओ कॉर्नर में भैया गुड मॉर्निंग डाउट पर आए हम लोग सोचा आपको डाउट आने के पहले बता देते हैं डाउट सॉल्विंग के हद तक हम लोग क्या करने वाले क्लास के अंदर आपको एक माइक दिया जाएगा अगर आपको चाहिए आप आपका डाउट डायरेक्टली माइक में पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यकीन मानिए कभी यह नहीं बोला जाएगा कितना स्टूपिड डाउट है भले ही मेरे मन में रहे मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको कितना स्टूपिड डाउट है डरिए मत आपका डाउट बहुत ज्यादा इज्जत से हैंडल किया जाता है मेरे क्लास में आप कोई भी सीनियर को पूछ सकते हो साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है आपको लगता है कि नहीं माइक में पूछने में डर लगता है ये 500 700 लोग है कैसे पूछे डरने की कोई जरूरत नहीं उसमें भी डरने की जरूरत नहीं आप लेक्चर के बाद तुरंत इधर आइए आप पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं आप क्लास के बाहर पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं बट पूछना जरूरी है डाउट्स को और जो लोग ऑनलाइन में है आप तो भैया आपको डर ही नहीं आप तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते ही हो है ना आपको अनम्यूट करने का सवाल ही नहीं आता आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो और मुझे लगता है कि उत्तीय तक आपका डाउट आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर स्टडी में आपको कोई डाउट आता है तो डरने की जरूरत नहीं है मेरा एक whatsapp नंबर आपके प्रिफेस ऑफ बुक पे शेयर किया हुआ है whatsapp नंबर आपके प्रिफेस ऑफ बुक पे शेयर किया हुआ है वो whatsapp नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हो बट बट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली दैट्स माय पर्सनल मोबाइल नंबर तो इसीलिए उस पर डाउट अगर आप पूछ भी रहे हो तो नॉर्मल टाइम पर पूछो और मेरे लिए नॉर्मल टाइम एक्चुअली बहुत बड़ा है सुबह आठ से लेकर रात को आठ तक इससे बड़े मेरे को नहीं लगता वर्किंग आवर्स किसी और के रहेंगे टेन टू सिक्स टू सेवन होते है, अपने टू बट प्रॉब्लम क्या है बारह बजे पढ़ाई करते दिन भर टाइम पास करते बारह बजे पढ़ाई करते डाउट आते साथ ही तुरंत वैसा मत करना क्योंकि मेरा फोन जो है वो साइलेंट पर नहीं होता है डेफिनेटली टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट टू एट कभी भी आप भेज सकते हो आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए दो से तीन दिन का टाइम दो क्वेरीज सबके आते हैं है। लिस्ट ऑफ है कभी -कभी। तो पेशेंस रखना चाहिए दो से तीन दिन डाउट सॉल्विंग बट बिलीव मी ये जो सपोर्ट सिस्टम अभी मैंने बोला ना मेरे पर्सनल नंबर का इसकी जरूरत आपको गिरेगी भी नहीं अगर आप यहां पर क्लास में ऑफलाइन या ऑनलाइन ध्यान दोगे तो टेस्ट सीरीज यस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप सबको फ्री है सबको मतलब सर फेस टू फेस भी फ्री है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मैंने अभी अभी कॉस्टिंग में बात भी की आपसे हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा टेस्ट के अंदर इंस्टीट्यूट से भी बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग ये टेस्ट आपको डराने के लिए नहीं होता आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है और उस टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे होता है बट मेरे नहीं सी ए प्रशांत यूट्यूब चैनल इज नॉट फॉर सी इट इज जनरल यूट्यूब चैनल so, जो डिस्कशन होंगे वो कहाँ आएंगे सर? सर? का एक है मेरा और अमित सर का एक कॉमन चैनल है जिसका नाम है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस क्या नाम है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस ये चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या क्या सब्सक्राइब करा रहे हो सर है ना सब फ्री है मत सब्सक्रिप्शन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा आपको तो ये चैनल जो है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस इस पर हम लोग डिस्कशन वीडियो डालेंगे इस पर हम लोग लास्ट रिविजनरी लेक्चर्स जो होते हैं एम टी पी आर टीपी उनके डिस्कशन वीडियो भी इसी चैनल पर आते हैं तो इनफैक्ट प्रशांत सर आपके लिए एक्स्ट्रा चैनल है ये मेन चैनल है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस सो दैट्स मोर देन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में सर कैसे टेस्ट सीरीज होंगे यहां जो क्लास में रहेंगे अनाउंसमेंट सुन लो अच्छे से आपके टेस्ट मेरे क्लास के तुरंत बाद मतलब क्लास में रुकूंगा बाहर नहीं जा पाए और मैं खुद क्लास में प्रेजेंट रहता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके टेस्ट पेपर जो आप लिखते हो उसको हम कलेक्ट करते हैं पी एस जो मेरा फर्म है इट इज नोन फॉर टेस्ट सीरीज

और जो लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं उनको पेपर का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा मेरे ऐप पर गूगल ड्राइव पर भी शेयर करते हैं हम लोग उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा बट पेपर चेक कर कर नहीं मिलेगा पेपर चेक कर कर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन वाले लोगों को अगर हम पेपर चेक करने लग जाए तो हम लोग इम्पॉसिबल रहेगा हमको कैटर करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा ठीक है देन <coughs> ऐप के डिटेल की बात कर लू तो ऑल योर लेक्चर्स विल बी प्लेड ऑन प्रशांत प्रशांत ये मेरा है इस ऐप पर लेक्चर प्ले होंगे लेक्चर का लिंक एप का लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है जब आपको आपके सीरियल कीज मिलेंगे सीरियल की का मेल आता है कभी कभी स्पैम में जाता है चेक कर लेना बराबर तो सीरियल की का मेल किसको आता है वो भी समझा देता हूँ जो वी स्मार्ट से परचेस कर रहे हो उनको नहीं आता है अदर देन वी स्मार्ट कहीं से भी परचेस किया रहेगा आपने फेस टू फेस परचेस किया रहेगा या आपके ऑनलाइन मोड में परचेस किया रहेगा तो आपको सीरियल की का मेल आएगा ओके okay? मेल एड्रेस रहेगा clecturesps@gmail.com clecturesps@gmail.com एंड अगर आपने वी स्मार्ट से परचेस किया रहेगा तो आपके वी स्मार्ट ऐप पर सीरियल की एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन रहेगा तो ये फेस टू फेस वालों के लिए नहीं ये वालों के लिए। अगर आप हो और ऑनलाइन में आपने की जाना है वहां पर आपको मेरा सीरियल की मिल जाएगा एज पर एज योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर कंसर्न जो सॉरी फेस टू कंसर्न जो मेरे सामने बैठे हैं आपने कहीं से भी परचेस किए रहेंगे लेक्चर एक्सपर्ट ओ वी स्मार्ट आपको सीरियल की का मेल सी ए लेक्चर पी से आएगा बट एक आध वीक के अंदर ठीक है एक आद वीक के अंदर बाकी लोगों को भी ईमेल आने का गड़बड़ करो मत जैसे ही आपको आप परचेस लोगे आपको मिल जाता है बट अगले पांच सात दिन तो यूट्यूब पर है सब्जेक्ट के साथ तो सेटल हो जाओ बाकी चीजें तो वैसे भी एक्सेट्रा है तो डरने की जरूरत नहीं है और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए मे इट बी कॉस्टिंग ऑफ विनोद रेड्डी सर मेड भी एफ एम प्रशांत सरोडा मेड बी एस एम अमित सर सबके लिए एक सिंगल कॉमन टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर आपके स्क्रीन पर है सब लोग नोट कर लो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर है इनके साथ आप कॉल नहीं कर सकते हो चैट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और अगर आपका क्वेरी वो चैट से सॉल्व नहीं होता है तो वो खुद ही आपको कॉल कर लेते हैं नाइन फोर जीरो फोर नाइन 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 फोर जीरो फोर नाइन नाइन फोर जीरो फोर जीरो तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें आपके एकदम क्लियर है नोट्स कौन से मिलेंगे और कितने मिलेंगे आप सबको पता है नोट्स कितने मिलते हैं चार नोट्स है दोस्तों इस बार लास्ट टाइम तक तीन थे इस बार चार है सबसे पहला नोट जो आपको मिलेगा नो no नोटबुक वाला नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला बुक है ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ नो no कॉन्सेप्ट नहीं है वो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है वो कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर नो no कॉन्सेप्ट वाला बुक मैंने पूरा कर लिया सर ठीक है इट्स नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला बुक जिसको हम लोग रेगुलर बुक बोलते हैं सेकेंड बुक आपको मिलेगा एफ एम का क्वेश्चन बुक जिसमें नो नोट बुक कॉन्सेप्ट के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी कवर करेंगे हम लोग एम आरटीपी टीपी मॉड्यूल सब कुछ उधर कवर्ड है तीसरा बुक विल बी एफ एम का रिविजनरी चार्ट बुक वो कलर बुक है आपका आपके इतने सारे बुक में से सिर्फ यही एक बुक है जो कलर बुक है आपके लिए एफ एम का चार्ट बुक बोलने से अच्छा आई विल कॉल दिस एज एफ एम एंड एस एम का चार्ट बुक क्योंकि कॉमन चार्ट बुक है ये अगर किसी ने ओनली एफ एम लिया या ओनली एस एम लिया तो भी उनको ये चार्ट बुक मिलता है लास्ट इज एफ एम फंडास बुक इसमें प्योरली प्योरली थ्योरी बुक है ये एक छोटा सा क्यूट सा बुक है ये आपका नो नोटबुक कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन बुक जो आपको मिलेगा Then, ये आपका रिविजनरी एफ एम एस एम का चार्ट बुक एंड लास्टली ये छोटा सा पॉकेट डायरी वाला बुक एकदम मस्त कहीं पे भी कैरी कर सकते सेंटर के अलावा <laughs> जहां कहीं पर भी आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप इसमें से ओपन करके आपका रीडिंग कर सकते हो आप एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एफ एम में थ्योरी भी आती है क्या सर आती है एक ही क्वेश्चन आता है दस मार्क का क्वेश्चन

अभी से डाउट की आदत डालो कोई डाउट है किसी को माइक है यहां पर डाउट सॉल्विंग के लिए है ना माइक है सब है आपका डाउट है क्या बत, बस बता दीजिए नहीं है चलो तो यहां पर मेरे ख्याल से सभी डाउट्स क्लियर हो चुके अब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्टी कब होगा मुद्दे की बात पॉइंट नंबर लिखना चाहिए था एक्चुअली या फर्स्ट नंबर चाहिए ना फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए तो पार्टी बैच का बैच के कंप्लीशन के बाद होगा और क्या होगा बीच में नहीं नहीं नहीं, नहीं बीच में नहीं होगा भाई आई आई बीच में होना चाहिए पार्टी ठीक है आपका आपका प्रपोजल आपका प्रस्ताव हम लोग रखेंगे विनोद रेड्डी सर के सामने और आगे का डिस्कशन विनोद रेड्डी सर ही कर लेंगे चलिए तो पार्टी वार्टी मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा बहुत अच्छे से करेंगे बट पार्टी करने के पहले कुछ अचीव करके पार्टी करेंगे वो पार्टी आप लोग डिजर्व करना चाहिए ऐसा कुछ करेंगे ठीक है कितने लोग यहां पर ऑल इंडिया रैंक का सपना लेकर बैठे ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक वाह वेरी गुड बाकी लोग बस सर पास करवा दो पास करवा दो पचास साठ पैसठ सिक्सटी फाइव बस ज्यादा अपेक्षा हमको खुद से भी नहीं है और घर वालों को भी नहीं है है ना देखिए टेल यू अगर आप रैंक सोचोगे ना तो कहां एग्जामेशन के पार जाओगे ये फैक्ट है अपने सीए कोर्स का तो हर कोई जब ये सिलेबस पढ़ रहा है तो बस एक सपने के साथ पढ़िए ऑल इंडिया रैंक मिलता है क्या ऑल इंडिया रैंक आ सकता है आपका भी ऑल इंडिया रैंक क्या आता है वी स्मार्ट वगैरह में से भी रैंक आते हैं आते कि नहीं 100 आते हैं हिस्ट्री में तो ऐसा है कि ऑल इंडिया रैंक वन भी मेरा स्टूडेंट रह चुके तो ऑल इंडिया रैंक इज पॉसिबल रैंक वन इज ऑल्सो पॉसिबल नथिंग टू फियर द ओनली थिंग इज यू शुड बी प्रिपेयर मैं ये बात बोल रहा हूं बिकॉज आपका डिटर्मिनेशन जितना स्ट्रांग रहेगा ना उतना ये जर्नी बहुत अच्छी जाएगी आप जितने पहले दिन से डरे हो उतना आपका जर्नी डरा डरा सा जाएगा तो ऐसे जर्नी क्रॉस करने में कोई मजा नहीं आएगा आपको जर्नी क्रॉस करनी है थोड़ी हिम्मत रखकर कोर्स सिलेक्ट करते वक्त हिम्मत रखी थी क्या बहुत सोसाइटी ने आपको डराया था लिटरली फिर भी आपने कोर्स सिलेक्ट करते वक्त हिम्मत रखी और इसी वजह से आप लोग यहां तक पहुंचे हो और इसके आगे हिम्मत रखोगे तो सी ए फाइनल एफ एम के ऐसे बैच में भी पहुंच जाओगे पहुंचेंगे ना yeah. फिर पहुंचना है आपको और इसके लिए ऑल इंडिया रैंक का सपना देखो और उसी हिसाब से प्रिपेयर करो क्या लगता है सर ऑल इंडिया रैंक के लिए बस आपकी तरफ से जो जो मैंने बोला ना ये क्लास अटेंड करना है होमवर्क करना है फिलहाल बस इतना याद रखो बैच कंप्लीशन के दिन बता दूंगा कि अगले तीन महीने में चार महीने में क्या रिक्वायर्ड रहेगा ठीक है, है? प्रिपेयर हो आप आगे बढ़ने के लिए ठीक है आगे बढ़ने के पहले एफ में तो हम जाएंगे ही बट मेरा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं दोस्तों राइट फ्रॉम चाइल्डहुड नॉट एट ऑल वेरी सिंसियर अबाउट स्टडीज नॉट एट ऑल हार्डली हार्डली पासिंग मार्क्स बिलीव मी फोर्थ तक हर किसी को अच्छे मार्क्स होते फोर्थ मुझे भी थे फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पूरा डाउनवर्ड ग्राफ था क्या क्या ग्राफ था लगभग सिक्सटी टू फिफ्टी फोर एंड लास्ट में तो हर्दी कर दी फोर्टी एट वगैरह कुछ सेवेंथ स्टैंडर्ड मतलब घर वाले भी बोलते थे कुछ भी कर फेल मत होना लिटरली बड़ा भाई था हर वक्त मेरिटोरियस रैंक वन मतलब रैंक वन उसका रैंक टू आया था वो रोया था आधा घंटा <laughs> उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं रैंक वैंक नहीं आता है मैंने बोला था उसको इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करता हूं उसका रैंक टू आया था वो रो रहा था और अपना नीचे से रैंक वन रैंक टू रहता है और ये होते शादी क्या हुआ स्कूल चेंज हुआ मेरा स्कूल चेंज होने के बाद थोड़ा सा मैं नए स्कूल में गया वहां पर बहुत स्टूडियो स्टूडेंट्स थे उनके बीच बहुत ही शर्म आने लग गई 94, 92 सबको ऐसे मार्क्स रहते थे और मैं अपना 48 वाला मेरे आसपास कोई नहीं था इनफैक्ट मेरे मार्क्स के आसपास हाई लोएस्ट मार्क्स उनका जो था वो 68 था जो मेरे से 20 परसेंट आगे था मुकेश पाटिल नाम था उसका आज भी मेरा दोस्त है वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके बाजू में बैठना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे लिए तो सेवेंटी प्लस मतलब होशियार एटी प्लस मतलब बहुत होशियार नाइनटी प्लस मतलब भगवान आदमी अपने <laughs> मतलब दूर रहो भाई दूर से प्रणाम भगवान ये लोग अलग है एंड एटथ में ये सब ऐसे क्लास के माहौल में पहुंचने के बाद बहुत ऐसा गिल्ट फील होने लग गया यार अपन कौन से वाहियत कैटेगरी के हो गया ऐसा लग रहा था थोड़ा पढ़ लेते बट बचपन से घर में कभी पढ़ने का इमेज बनाया नहीं था बहुत मेहनत कर कर होपलेस इमेज बनाया था तो पढ़ने में भी शर्म आती थी ऐसा लगता था कि घर वालों को लगेगा कि कहां से सुधर गया <laughs> वो भी नहीं करना है ना इतनी मेहनत से इमेज, तो, तो इमेज खराब नहीं करना था इसलिए पेरेंट्स नहीं रहते थे तो पढ़ता था और देखते देखते एग्जाम आई एट स्टैंडर्ड की एग्जाम देने के वक्त स्कोर आया पहली बार लाइफ में सेवेंटी टू परसेंट बजाने लायक है भाई मेरा स्कोर देखो यार 72 परसेंट था एंड एट स्टैंडर्ड द स्कोर वाज 86 परसेंट बिकॉज आई गॉट टू नो कि थोड़ा पढ़ने से अगर 72 आ रहा है तो इसका मतलब 70 के ऊपर होशार होशार ऐसा कुछ नहीं रहता है बस पढ़ते जाओ मार्क्स आते जाएंगे 90 सॉरी नाइन्थ में 86 परसेंट आए तो ग्राफ सोचो ग्राफ स्कूल वाले भी सोचने लग गए कैसा अपना जबरदस्त स्कूल है ये बच्चा कहां था कहां ले गए <laughs> और स्टैंडर्ड आया एवरीबडी अराउंड मी वॉज इसका रैंक आएगा रैंक आएगा क्योंकि ग्राफ ही ऐसा था कुछ कहा सौ के पार जाएगा ऐसा लगता <laughs> और मुझे भी लगने लग गया रैंक आएगा बिकॉज एवरीबडी यूज टू टॉक अबाउट मी ये बहुत खतरनाक है ये कुछ नहीं था अभी बहुत होशियार हो गया इसका देख दसवीं में रैंक आएगा एंड थोड़ा सा ये ना ये बातों में बह गया मैं और और बातें ही रह गई पढ़ाई साइड में रह गई और हर कोई जो होशियार होता है टेंथ के बाद कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है साइंस वही सोसाइटी बोलती है होशियार है टेंथ के बाद तो तुमने साइंस ही लेना चाहिए एवरेज स्टूडेंट रहता है दो कॉमर्स कुछ नहीं किया तो आर्ट्स ये सबसे बड़ा मिथ है बट इसी मिथ को हम सी एस ब्रेक करते हैं बराबर ना तो टेंथ के बाद मुझे भी साइंस लेना था क्योंकि एवरीबडी यूज टू से तू होशियार है तू साइंस ले तो बस मुझे भी साइंस लेना था बट टेंथ का स्कोर आया दोस्तों एंड द स्कोर इज एंड द स्कोर इज 70% एंड 70% स्कोर के साथ किसी भी साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता ये देखो हाइट ऑफ पॉजिटिविटी इस पर भी तालियां बजा रहे हो बट ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज हुई कि टेंथ में सेवेंटी आए साइंस में एडमिशन नहीं मिला कॉमर्स लेकर आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है इलेवेंथ आया इलेवेंथ कॉमर्स लिया फर्स्ट डे सिक्सटी स्टूडेंट्स का पूरा बैच प्रेजेंट था एट्थ डे दो लोग प्रेजेंट थे डे ऑफ द बैच और मैंने पूछा मैम को छुट्टी है क्या मैम तो बोले नहीं तुम दो आए हो ना कल परसों में जब तुम बंद कर दोगे तब तो हमको रोज छुट्टी देती है सो आई अंडरस्टूड कि का कोई क्लास करता नहीं है मैंने मेरे फ्रेंड को बोला राहुल नाम था उसका मैंने बोला रोज आएंगे भाई सी ए करना है अपने को वो बोला मेरे को नहीं करना है बोला करेंगे यार नहीं करना है भाई रोज उसके घर जाता था उसको क्लास में उठाकर लाता था एंड एवरी डे वी बोथ ऑफ अस यूज टू अटेंड द क्लास एंड गो बैक इलेवेंथ का स्कोर आया नाइनटी फोर परसेंट एंड ट्वेल्थ में सब लोग वापस से शुरू हो गए बोर्ड है इसका रैंक आएगा मेरा भाला माफ करो भाई कोई रैंक नहीं आएगा गलती से स्कोर आया है एंड ट्वेल्थ में ग्राउंडेड रहकर अच्छे से पढ़कर वाकई में पढ़कर ट्वेल्थ का स्कोर फिर बोर्ड का लातुर बोर्ड टेंथ रैंक एंड नांदेड डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट आई ऑल्सो टीच इकोनॉमिक्स एट फाउंडेशन लेवल फाउंडेशन ट्वेल्थ द स्कोर वॉज बोर्ड टॉपर नाइन्टी वन मार्क्स कुछ मिले थे इकोनॉमिक्स में तो बोर्ड टॉप किया था मैंने ट्वेल्थ में फिर उस हिसाब से एक रैंक के साथ सी ए में एंट्री हुआ सी ए में एंट्री होते साथ ही सभी होशियार स्टूडेंट्स हमको सीए में मिल जाते ये रैंक वो रैंक वो रैंक सब जगह रैंक ही रैंक रहते और थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगा कि अपन बहुत ही पीछे रैंक रहने के बावजूद भी क्योंकि क्वेरीज बहुत जबरदस्त आती है स्टूडेंट्स की तुम्हारे वक्त तो भी थोड़ी डायलूटेड क्वेरी आती है हमारे वक्त तो बहुत ही अलग क्वेरी आती थी एक स्टूडेंट था हमारे स्कूल क्लास में वो तो कुछ भी क्वेरी पूछता था इकोनॉमिक टाइम्स सर आई रेड फ्यू डेज बैक आर बी आई फाउंडेशन में पूछ रहा है फाउंडेशन में इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर का कलर कौन सा रहता है ये भी नहीं मानना था मुझे एंड यूज टू से फाउंडेशन सर वो लॉ के सर को बोलता था आई रेड इन इकोनॉमिक टाइम्स आर बी आई पॉलिसी दिस लॉ दैट लॉ आंसर बोलते थे वेरी गुड क्वेश्चन फिर सर आंसर करते थे मैं उधर बैठा ना मेरे को क्वेश्चन समझा ना आंसर सो दैट वे दैट वे इट इज और फिर आगे की जर्नी फाउंडेशन क्रॉस करते करते डर लगने लग गया एक सब्जेक्ट से कौन सा मैथ्स मैथ्स और क्या है मैथ्स क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ मैथ्स था ही नहीं और अचानक से लाइफ में एंट्री होती मैथ्स की और विनोद सर भी पढ़ाने को थे नहीं तो करे क्या मैथ्स बहुत टफ लगने लग गया आई यूज टू आस्क माई सीनियर कैसे पढ़ाई करे एवरी वन वॉज से मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा दो वर्ड जुड़ गए मैथ्स और फेल डर लगने लग गया जब जब मैथ्स ओपन किया लाइफ में उस फेज में तारे जमीन पर लिटरली वही सीन था पंद्रह मिनट में नींद आती थी एंड देखते ही देखते एग्जाम्स आ गई हर सब्जेक्ट बेस्ट हुआ था मैथ्स को छोड़कर मैथ्स में करे तो क्या करे कुछ समझता ही नहीं था एंड फिर एग्जाम आ गया एग्जाम चला गया एग्जाम जाने के बाद मुझे समझा कि मैथ्स में कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे वक्त चारों पेपर राइटिंग में हुआ करते थे एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ करता था सीए फाउंडेशन ही नाम था वो ओरिजिनल सीए फाउंडेशन ऐसा था चारों पेपर राइटिंग चार सौ में से दो लाने होते थे आई कोड इन माई एग्जामिनेशन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मार्क्स मैथ्स थर्टी फोर मार्क्स अकाउंट्स नाइंटी सिक्स मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड बट अल्टीमेट रिजल्ट वॉज फेल थैंक यू थैंक यू मैडम यही मोटिवेशन चाहिए बस कोई तो बोले प्राउड ऑफ यू तो अल्टीमेट रिजल्ट वॉज फेल उस दिन वो याद आया जो पेरेंट्स बचपन से बोलते थे फेल मत होना हो गए फेल इतना पढ़ने के बाद में भी फेल हुए तुरंत फिर बहुत रोए बहुत रोया बहुत रोया पेरेंट्स को बोला मुझे सीए करना ही नहीं है इतना मेहनत कर कर भी अगर ऐसा है तो मुझे सीए करना ही नहीं है पेरेंट्स से भी बोला कोई बात नहीं मत कर घर का बिजनेस है क्या प्रॉब्लम है मत कर भाई सीए नहीं करना है मत कर इतना रो रहा है दो घंटे से रो रहा है कोई बात नहीं मत कर फिर पेरेंट्स इतने जल्दी मान गए तो अपने को वो भी नहीं डाइजेस्ट होता और एक दो घंटे बाद मैंने बोला मैं करेगा पेरेंट्स बोले सोच ले भाई अल्टीमेटली नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स सात बजे पहला सब्जेक्ट लिया मैथ्स अगले आठ दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ा अब नींद नहीं आती थी कोई तारे जमीन पर का सीन नहीं था एट डेज में मैथ्स को प्रॉपरली कवर करने के बाद लगा कि ये सब्जेक्ट इतना भी डरावना नहीं है कि हम फेल हो जाए नो डाउट डरावना है बट हम मैनेज कर सकते हैं आराम से कि पास तो आराम से हो सकते हैं बट कैन वी कैन वी रिवर्स समथिंग इन लाइफ बस जो लिख दिया वो फेल रिजल्ट हो गया वो हो गया अब वो अंडू तो हो नहीं सकता बट आई अंडर स्टूड दैट डे आई है सब्जेक्ट एंड फिर स्टार्ट किया फिर से स्टडीज बाकी सब्जेक्ट के साथ ये भी देखते ही देखते दोस्तों अकाउंट इकोनॉमिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड लॉ एंड उसके साथ साथ मैथ्स बैलेंस करते करते एग्जाम आ गया सामने एग्जाम दिया और जो स्क्रीन पर लिखा था वो अचीव किया ऑल इंडिया रैंक इलेवन है मेरा इन द सेम एग्जामिनेशन इन विच आई गॉट फेल्ड आप बोल सकते प्राउड ऑफ यू ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आई वॉज नॉट बोर्ड टॉपर इंडिया टॉपर इन इकोनॉमिक्स एंड विथ दिस आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ इंटर इंटर में रैंक नहीं आया फर्स्ट एग्जाम पास और देन फाइनल रैंक नहीं आया पास फर्स्ट अटेम्पास फर्स्ट अटेम्प पास फेल नहीं हुआ मगर उसके बाद दिस वॉज अंट्रोडक्शन ऑफ माइंड आपको क्यों बता रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन नॉट दैट आई एम वेरी ग्रेट वगैरह कुछ ग्रेट नहीं है आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉर्मल लाइक यू एवरेज पर्सन लाइक यू क्योंकि हमारे भी इसे रिजल्ट आते हैं बट थोड़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या बन सकते हैं आई एम शोइंग यू दैट वाई आई गॉट फेल्ड इन माई सी ए फाउंडेशन एग्जामिनेशन डू यू थिंक कैलिबर नहीं था ना था एक रीजन था दोस्तों फेल होने का फियर फैक्टर और आई एम श्योर आप सबके दिल में रह सकता है टेंथ के अंदर गंदा स्कोर का रीजन मैं नहीं पूछूंगा आपको भी पता है ओवर कॉन्फिडेंस था और मुझे नहीं लगता इधर कोई भी बैठा इंसान जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है अरे इंटर क्या मेरे बाय हाथ का खेल है है ना ऐसा नहीं है ना फाइनल तो मैं ऐसे ही घर बैठे निकाल लूंगा सीए तो क्या मैं टेंथ से भी इजी है ऐसे ही पास कर दूंगा है ना भाई नहीं होता ऐसे बट वो जो फर्स्ट चीज था फियर फैक्टर जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन फेल हो गया शायद आपके दिल में रहेगा फियर फैक्टर दोस्तों अगर फियर फैक्टर रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है मैंने आपके सामने रख दिया मेरा कहानी मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखो और ऐसा फियर फैक्टर रखना मत अगर मैं पास हो सकता हूं तो आप तो पक्के से हो जाओगे आई एम वेरी एवरेज डोंट वरी आप तो अबव एवरेज हो मेरे स्कोर में से हर स्कोर आपसे ऊपर रहेगा शायद आपसे नीचे रहेगा शायद आपका स्कोर ऊपर रहेगा ना आपके ट्वेल्थ के स्कोर आपके टेंथ के स्कोर बहुत भारी रहेंगे और अगर मेरे लेवल के है तो फिर तो आप पक्के सीए बनने वाले हो ना दोस्तों यकीन मानिए अपने कोर्स में कौन सा रैंकर कब फेल होगा और कौन सा फेल होना कब रैंक में आएगा ना कोई भरोसा नहीं है इसलिए सीए में बोलते कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं होता है क्योंकि जूनियर कभी भी सीनियर बन जाएगा सीनियर वहीं से जूनियर रहेगा सामने वाला सीए बनकर निकल जाएगा ये फाइनल भी अटका है अल्टीमेटली इट्स योर एटीट्यूड योर डिटर्मिनेशन योर कंसिस्टेंसी योर सिंसियरिटी मैटर्स आई एम श्योर ये बातें आपने सुनी है बट अल्टीमेटली इसको इंप्लीमेंट भी करना ठीक है स्टार्ट करते हैं ये प्रोजेक्टर को क्या हुआ इधर स्क्रीन दिख रहा है वैसे आपको थोड़ा बहुत आपको दिखेगा नहीं दिखेगा तो वरी मत करना मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है आपको ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ कुछ लोग बहुत गड़बड़ में क्लास स्टार्ट करने के दो तीन कमेंट आ गए सर पढ़ाओ सर लेट स्टार्ट द क्लास सर नाउ ओके जब पढ़ाऊंगा ना रियल में सर ब्रेक सर है ना आई होप ऐसा कुछ नहीं रहेगा ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं रहेगा भाई दो घंटे में क्या ब्रेक दूंगा मैं आपको एग्जैक्ट फोर थर्टी आई लीव यू एंड फोर थर्टी यू विल सी अ थर्ड पर्सन य तो वो जब अमित सर के साथ आप पढ़ोगे वो ब्रेक जैसे ही रहता है लगता भी नहीं पढ़ रहे हो हंसते खेलते सिलेबस आगे जाएगा आपका चलिए अब इसके आगे ऑल ऑफ यू विल इंटरेक्ट विथ मी विथ रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट ओके और जो जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कुछ भी लिखना नहीं कुछ भी लिखना नहीं है वैसे भी क्योंकि जो हम अभी लिखेंगे वही आपका होमवर्क रहेगा घर जाके आपको लिखना है आपका फर्स्ट पेज नोट्स का ब्लैंक दिखेगा आपको चैप्टर वन का फर्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक है आपका देख लो आप बिल्कुल पेज नंबर वन दिखा ब्लैंक कौन भरेगा वो आप भरोगे क्या ये बुक कलर बुक है बट आप जब भर रहे हो तब आप कलरफुल पेंसिल यूज कर सकते हो पेन यूज कर सकते हो जो यूज करना है कर लो आप उसे कलर नोट्स बनाओगे एवरीबडी चलो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट अमन इज सिंह वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द नोट्स यू विल बी एबल टू एक्सेस द नोट्स स्टार्टिंग से अगर लेक्चर सुनता तो मैंने बोला है गूगल ड्राइव में भी नोट्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स है ठीक है अगर गलती से वी स्मार्ट के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं मिलेंगे आप विनोद रेड्डी चैनल पे जाइए वहां पर नोट्स डाले हुए चलो लेट स्टार्ट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक पोस्ट एक पोजीशन दिमाग में आती है फाइनेंस मैनेजर का सब लोग हैं मेरे साथ माइक चाहिए हमको ओके फाइनेंस मैनेजर जिसको इन दिनों में थोड़ा एडवांस्ड रोल दिया गया है जिसको सी एफ ओ बोलते चीफ फाइनेंस ऑफिसर चीफ नहीं है वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इक्वल टू सी सीईओ होता है तो सी एफ ओ या फाइनेंस मैनेजर जब आप सुनते हो ये पोस्ट के बारे में व्हाट डू यू फील, क्या रोल्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप एक कंपनी के सीएफओ हो तो थोड़ा सोचते एक एग्जाम्पल लेते न्यूली कंपनी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट आ चुका है मतलब लिस्टेड कंपनी है आपको पूछा है भैया इस कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजर सी हो आपका क्या रोल या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा मुझे बताइए एनीवन यस पास कीजिए भाई आप एक फाइनेंस मैनेजर हो CFO आपका रोल रिस्पांसिबिलिटी सर जो न्यू uh, लिंक है तो फिर शेयर फंड uh, आया होगा शेयर कैपिटल तो उसका मैनेजमेंट फंड्स का मैनेजमेंट शेयर कैपिटल आया होगा नहीं आप आप फाइनेंस मैनेजर हो आप वहाँ से शुरुआत करो uh, तो फिर जो भी कंपनी में कुछ तो पैसा आया होगा स्टार्ट करने के लिए बिजनेस हां प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन आया हाँ, जो बहुत ही कम था हां पर उस फंड को कहाँ एलोकेट कर और फंड ला सकते हो आप बिजनेस में? हाँ. ला सकते हैं ना बिजनेस में yes. कंपनी जब फॉर्म होती है सबसे पहले उसको क्या जरूरत होती है फंड्स की, की ज़रूरत होती है। तो yes. आप क्या करोगे एज फाइनेंस मैनेजर uh, पैसा बिजनेस में uh, uh, लाने के लिए शेयर इशू करोगे हाँ. सिर्फ शेयर इशू करना है आपको नहीं या तो लोन ले सकते लोन ले सकते हो यस डिंचर्स इश्यू कर सकते हो yes, वो भी एक तरफ से लोन ही है राइट हाँ. right? yes. पैसा बिजनेस में आया हुँ. इस चीज को क्या बोलते हैं पैसा बिजनेस में लाना ये पहला रोल है मैडम आपका एज फाइनेंस मैनेजर और इसको क्या बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब वॉट ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस लिखना नहीं है आपको लिखना नहीं डोंट वरी बहुत अच्छा सिखाऊंगा आपके दिलो दिमाग में छाप जाएगा आपको घर जाके विदाउट देखे लिखना है नेक्स्ट डे यहाँ पर जब आओगे वापस से ये लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा डोंट वरी अभी डिस्कस करके पार्टिसिपेट करो ताकि सब्जेक्ट आपके अंदर जाना चाहिए रग रग में एफ एम ए राइट वो होना चाहिए आपके अंदर बिजनेस में पैसा लाने के लिए चॉइसेस क्या है सिक्योरिटीज uh, इशू कर सकते हैं जैसे कि कौन से सिक्योरिटीज इशू करोगे डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी डेट या इक्विटी तो इसको क्या बोलते हैं मान में टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कहां कहां से कौन से कौन से सोर्सेस से बिजनेस में फंड्स आ सकते हैं ठीक है इक्विटी शेयर हो गया प्रेफरेंस हाँ, शेयर्स uh, हो गए डेट मार्केट हो गया लोन्स हो गया डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ऑल ऑफ यू नो दिस तो दीज आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्सेट्रा लिख दे ये सब तो आपको पता ही है वैसे भी इलेवन से यही तो पढ़ रहे हो आप ठीक है क्या लगता है आपको आप कहां से पैसा लाओगे एक ही सोर्स से पूरा पैसा ला लोगे नहीं नहीं तो क्या करोगे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे क्यों बट ताकि मतलब ज्यादा इक्विटी भी ज्यादा ना जाए थोड़ा एक रेशियो में बट अच्छा है ना एक ही सोर्स से पूरा पैसा आ गया अपने लिए भी झंझट कम रहेगी नहीं बट इक्विटी में डिविडेंड होता है देना मुझे और डेट uh, सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट लग जाता है uh, एक फिक्स रेट होता है और एक डिपेंड uh, भी करता है इक्विटी में जैसे डिपेंड करता है प्रॉफिट हुए तो हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है आपको नेम कशिश कशिश इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा इंटरेस्ट दिया जाएगा डिवेंचर पर लोन्स पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा बट अलग रेट से हो सकता है करेक्ट तो एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिगार्ड टू रिपेमेंट ऑफ रिपेमेंट बोलो या यूज यूसेज का कॉस्ट कंपनी है मैं कंपनी हूं ये लोग इन्वेस्टर्स है इनका रिटर्न है बट मेरे लिए क्या है कॉस्ट है ना हाँ. एग्जाम्पल लेते चलो ये लोग कौन है डेट होल्डर्स है डेट होल्डर्स मतलब इन्होंने मुझे लोन दिया है ये मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है अब आप बोलिए इनको मैं क्या पे करने वाला हूं इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट आपका रिटर्न है वॉट एवर यू गेटिंग रिटर्न एज इंटरेस्ट बट फॉर माई कंपनी इट इज वॉट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच कैपिटल डेट कैपिटल वरीबडी मी डे वन से मैं आपके साथ फाइनेंस की भाषा ही यूज करूंगा क्योंकि आपको एग्जाम में फाइनेंस की भाषा ही लिखनी है एंड डोंट वरी एक दो चार टर्म दस टर्म बीस टर्म नए मिलेंगे एवरी डे यूज करेंगे वो पुराने टर्म्स हो जाएंगे आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाएंगे ठीक है तो अभी मैंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच कैपिटल डेट कैपिटल आप लोग सामने जो मेरे बैठे हो करीबी लोग आप लोग मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो आपको मैंने क्या इश्यू किया है इक्विटी शेयर्स आपका पैसा मेरे पास आया वो पैसा मैं यूज कर रहा हूं क्या उस पैसे पर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है रिटर्न uh, के फॉर्म में डिविडेंड uh, क्या मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है मिलेगा ना मैडम डिविडेंड डिविडेंट आपको मिलेगा आपका रिटर्न है डिविडेंट बट मेरा क्या है वो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ विच कैपिटल इक्विटी कैपिटल एवरीवन तीसरे वो लोग वो लोग इनके बिल्कुल बगल में है मेरे से थोड़े दूर है ये लोग प्रेफरेंस वाले लोग हैं प्रेफरेंस कैपिटल इन्होंने कौन से शेयर खरीदे प्रेफरेंस शेयर तो ये प्रेफरेंस शेयर जिन्होंने खरीदे इनके ऊपर भी इनको कुछ रिटर्न पे किया जा रहा है जिसको हम बुलाते हैं प्रेफरेंस डेविडेंट क्या इसका रेट फिक्स होता है क्या आपका रेट फिक्स होता है क्या इनका रेट फिक्स होता है यस प्रेफरेंस का रेट फिक्स है डेट का रेट फिक्स है बट इक्विटी का रेट फिक्स नहीं है देयर फॉर यूर कॉल्ड एज रियल ओनर्स ऑफ कंपनी इसीलिए आपको बोला जाता है रियल ओनर्स और इसीलिए कंपनी के वोटिंग राइट्स भी आप ही को दिए गए क्योंकि अल्टीमेटली सबको पे करने के बाद जो बचेगा वो आप लेने वाले हो इनकम बोलते ना 11 -12 से पढ़ रहे हो ये थ्योरी में आप इधर फाइनेंस में यूज करोगे उसे सच में सबको पे करने के बाद क्या बचता है और उसको आप किस तरीके से आपको मिलता है यह आप फाइनेंस में सीखोगे और इसीलिए आपको बोला जाता है रियल ओनर्स ऑफ कंपनी इन्होंने भी हमको शेयर कैपिटल दिया आपने भी शेयर कैपिटल दिया बट ये लोग क्या कर रहे हैं फिक्स रेट मांग रहे हैं तो हमने बोला भैया फिक्स रेट मांगना ये तो गलत है शेयर कैपिटल दे रहे हो मगर फिक्स रेट मांग रहे हो तो इन्होंने बोला कौन सा हमको वोटिंग पावर से प्यार है वोटिंग पावर इनको दे दो हमको फिक्स रेट दो हमको वोटिंग पावर्स नहीं चाहिए समझे कुछ सो गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बहुत मैटर करता है <laughs> कशिश न आपने अभी बोला कि अलग अलग सोर्सेस सिलेक्ट करेंगे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज देखकर सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन से सोर्स का कितना कॉस्ट है हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए कशिश अगर आप हमारे फाइनेंस मैनेजर हो तो हाई चाहिए लो चाहिए या मीडियम चाहिए आई वुड से कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगर आप हमारे फाइनेंस मैनेजर हो आप अलग अलग सोर्सेज से पैसा ला रहे हो हाँ। आपका ऑब्जेक्टिव दिमाग में क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनको जो इंटरेस्ट पे करना है उनको हाँ। जो डिविडेंड पे करना लो, है लो। आपको जो डिविडेंड पे करना है कैसा चाहिए लो Low, लो हाई या मीडियम लो Low, लो ऑफ कोर्स कुछ लोग बैलेंस मीडियम मीडियम बोल रहे थे क्यों भाई ऑटो वाले का फेयर होता है फिफ्टी फाइव रुपीज आप बोलते हो नहीं नहीं कम कम ले रहा है यार तो सेवेंटी ले ले ऐसा होता है कभी नहीं आपका कॉस्ट कभी भी आप क्या ट्राई करते हो कम से कम होना चाहिए एवरीबडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे चाहिए कम चाहिए डिबेंचर ऑर्डर से बोल रहे नाइन परसेंट से पैसा देने को तैयार है मैं बोलूंगा टू लो यार ऐसा मत करो ग्यारह परसेंट तो ले लो ऐसा होगा नाइन है तो मैं बोलूंगा एट एट पॉइंट फाइव निगोशिएट करूंगा मैं मेरे बैंकर्स रहेंगे ये लोग इनको बोलूंगा इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो अगर कोटक बैंक है तो मैं एक्सिस बैंक को निगोशिएट करूंगा दोनों के बीच में मुझे जो बेस्ट रेट देगा उसके साथ जाऊंगा आगे ऐसे तो बिजनेस चलता है भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैसा चाहिए लो चाहिए वेरी गुड तो ये लीस्ट चाहिए लो चाहिए और क्या करोगे आप एक हो गया कॉस्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पीछे पास करो बोलो बोलो कोई बात नहीं सर भी होल्डिंग ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी का होल्डिंग रहता है ना अभी तो वो तो शेयर ही हो गया ना आप होल्डिंग दे रहे हो, हो, हो।, हो हाँ, मतलब में मगर इक्विटी शेयर ही है फ्यूचर का वो है ना और कुछ आप क्या देखते हो यस बजटरी प्लानिंग करोगे आप डोंट यू थिंक आप रिस्क देखोगे कॉस्ट तो देख लिया बट एट द सेम टाइम आप क्या देखोगे रिस्क ये सो नो रिस्क क्या होता है सर एक बार पैसा ले लिया तो पीरियोडिक फिक्स रिटर्न देने का रिस्क एंड एट द सेम टाइम एंड ऑफ द पीरियड रीपेमेंट का रिस्क रिस्क इज नथिंग बट कमिटमेंट का और कमिटमेंट हमारे लिए रिस्क है कि नहीं है तो मुझे बताइए आपके मुताबिक कौन से कैपिटल के साथ रिस्क सबसे ज्यादा आएगा प्रेफरेंस इक्विटी या डेट रिस्क मैंने दो टाइप की बोली आपको फिर से सुन लो पहला पहला बोलिए पीरियोडिक रिटर्न्स देने का रिस्क और दूसरा रीपेमेंट का रिस्क आप बताइए डेट ऑफ कोर्स इनका रिस्क सबसे ज्यादा है क्यों सर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं इनरेस्पेक्टिव ऑफ माय फाइनेंशियल पोजीशन इनका पैसा इनको वापस भी देना पड़ता है तो सबसे रिस्की हो गया ना मेरे लिए तो कल जाके मेरा बिजनेस नहीं चला प्रॉफिट कम है ये लोग बोलेंगे आई डोंट केयर यू कमिटेड एस नाइन परसेंट पे नाइन परसेंट मेरा बिजनेस तूफान चल रहा है पच्चीस परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं तीस परसेंट कमा रहा हूं ये लोग बोलेंगे आई डोंट केयर हमको नाइन परसेंट किया नाइन परसेंट दो ऊपर का तुम रख लो माइनस में गया तुम्हारा है प्लस में गया तुम्हारा है हमको फिक्स रेट दो खत्म अगर इनका रिडम्शन पांच सालों बाद ड्यू है तो ये लोग बोलेंगे फाइव बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दो मैं बोलूंगा उस वक्त यार लिक्विडिटी प्रॉब्लम है ये लोग बोलेंगे ठीक है आपका एसेट बेच देते जिस एसेट के अगेंस्ट वो डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर इश्यू होते वो एसेट बेच कर इनका पैसा वापस लेते ये लोग। इतने डेंजर है तो इनका रिस्क क्या हो गया सबसे हाई इक्विटी वाले लोग तो सबसे लीस्ट रिस्क है क्यों सर नंबर वन क्या था पीरियोडिक रिटर्न मांग रहे ये लोग अरे बेचारे बोल रहे प्रॉफिट हुआ क्या ठीक है दे दो नहीं हुआ क्या कोई बात नहीं अच्छा रीपेमेंट रीपेमेंट है क्या इनका नहीं। आपने फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ा क्या वो इंटर में आने वाला है क्या नहीं। अरे वो होता ही नहीं है रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नाम के कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि इनका पैसा इनको वापस नहीं दिया जाता ओनली इन टू एक्सेप्शनल सिचुएशन यू पे देयर मनी बैक नंबर वन इज बाय एंड नंबर टू इज वेरी गुड दो ही सिचुएशन ऐसे जिनमें इनका पैसा इनको वापस दिया जाएगा नंबर वन बाई बैक नंबर टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आई यू जेपिंग मतलब समझ रहा है अच्छे से वेरी गुड तो नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाएगा रिस्क देखा जाएगा और सब कुछ देखकर फिर हमारी कंपनी में हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंड सिलेक्ट करेंगे किसके पास माइक है ओके कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स का एक नाम है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स का एक नाम है जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलते बोलो कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम हमारी कंपनी का क्या डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर मींस व्हाट गाइस मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स क्या लिखा है मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होता है सर ये सौ करोड़ रुपया चाहिए हमको कहां कहां से आएगा ये तीनों सोर्स मेनली ठीक है क्या ऐसा रूल है कि पूरा एक जगह से आना जरूरी है नहीं इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है 100 करोड़ में से 40 करोड़ मैंने इक्विटी से लाया 40 करोड़ मैंने डेट से लाया एंड रिमेनिंग 20 करोड़ मैंने इन लोगों से लाया प्रेफरेंस वाले लोग ध्यान दो 20 करोड़ दे रहे आप इधर ध्यान दो बाजू वाले पे ध्यान मत दो 20 करोड़ नो व्हाट इज दिस 40 40 20 यू नो 4:4:2 या 2:2:1 मैथ्स के दुश्मनों समझा क्या फोर इज टू फोर इज टू टू इज तो ये बन गया मेरा मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स जिसको टेक्निकली मैं क्या बुलाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाऊंगा एवरीवन कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी मैं डिसाइड करता हूं मेरा टारगेट क्या होता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए लीस्ट मेरा रिस्क कैसा चाहिए वो भी लीस्ट चाहिए क्या डू यू वॉन्ट योर रिस्क ऑल्सो टू बी मिनिमम तो फिर दुनिया का नियम पता है आपको हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न लोअर द रिस्कअर द रिटर्न तो आपके रिटर्न भी लो हो जाएंगे फिर आपको रिस्क कैसा चाहिए बैलेंस्ड रिस्क कैसे लेना चाहिए अपन ने बैलेंस्ड लेना चाहिए बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू वॉट अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ यूर कंपनी धीरे धीरे आगे जाएंगे सिलेबस में समझ जाएगा बैलेंस अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी मतलब क्या एक सिंपल एग्जांपल में बोलना है तो जितना रिलायंस रिस्क ले सकता है उतना प्रशांत ले सकता है क्या उससे बहुत ज्यादा <laughs> रिलायंस है भाई रिलायंस रिस्क जो ले सकता है उससे काफी कम हम लोग लेंगे क्योंकि हमारा रिस्क कैपिटाइट रिलायंस के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में अगर उनको करोड़ों का नुकसान हो जाए एक उन्होंने तो वो क्या करने वाले राइट ऑफ कर देंगे बोलेंगे अच्छा ठीक है उधर लॉस हो गया दूसरे बिजनेस के अगेन सेट ऑफ हो गया हमारा टैक्स तो बचा एटलीस्ट हमारा लॉस हुआ तो हम लोग बोलेंगे लॉस तो वही है घर के पैसे चले गए टैक्स का तो सवाल ही नहीं आता सेट ऑफ कब होगा जब वो और कुछ कमाएंगे चलो अभी कैरी फॉरवर्ड करते सिंपल है रिस्क कैपिटाइट हमारा बहुत कम है रिस्क कैपिटाइट रिलायंस का बहुत ज्यादा है इन शॉर्ट हर कंपनी अपना रिस्क अपने साइज ऑफ कंपनी को देख कर लेता है जितना बड़ा कंपनी उतना रिस्क कैपिटेड भी ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल यार जियो लॉन्च हुआ था याद है आपको क्या किया जियो ने फ्री तीन महीना फ्री दिया तीन महीना और फिर बाद में पता चला कि लोग अभी तक एडिक्ट नहीं हुए तो बोले और तीन महीना ले लो क्या फ्री था पर डे वन जी फ्री था पूरा अनलिमिटेड कॉलिंग इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री था उस जमाने में जहां पर आइडिया एंड एयरटेल कितना चार्ज करते थे पूरे मंथ का थ्री हंड्रेड रुपीज चार्ज करते थे फॉर वन जीबी फॉर वन या वन एंड हाफ जीबी के लिए मतलब पूरे मंथ में कितना जीबी मिल रहा है सिर्फ वन वन एंड हाफ जीबी मिल रहा है पूरा महीना निकालना है अपना तो पूरा दिन निकलता नहीं मुश्किल से अभी तो तो रिलायंस ने ये किया बट रिलायंस को ये इतना इंटरनेट देने में पैसा लगा क्या लॉसेस हुए क्या यस उसने उठाया लॉस उसका सिंपल स्ट्रैटेजी है जिस बिजनेस में वो एंटर करता है उस बिजनेस में पहले वो सामने वाले कॉम्पिटिटर को सुला देता है फिर जागता है कितना लॉस झेलने की ताकत रखते हो आइडिया एयरटेल और एक था ना कोई टाटा डोकोमो ऐसे दो तीन यूनिकॉन यूनिकॉन नाम का भी एक कुछ था सब सब डब्बा बंद आइडिया वोडाफोन दोनों मर्ज कर कर मुश्किल से वेंटिलेटर पे जिंदा है एयरटेल है थोड़ा बहुत डायनेमिकली खेल रहा है और पूरे मार्केट पे राज कर रहा है जियो बट ये सब जियो को पॉसिबल था करने के लिए क्योंकि उसके पास रिस्क एपिटाइट था ताकत थी रिस्क लेने की आप बोलना मत मोदी पीछे थे बोल के नो no डाउट वो भी था एक एलिमेंट बट आई एम टेलिंग यू हाँ नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट नहीं मोदी जी मैंने कुछ नहीं बोला <coughs> तो कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ कौन से फंड होते हैं लॉन्ग टर्म फंड ठीक है मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड कैसे डिसाइड होता है मेनली दो एलिमेंट्स को देखकर अभी के लिए तीसरा एलिमेंट बाद में आएगा पहले दो एलिमेंट कौन से दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क कॉस्ट कैसा चाहिए लीस्ट कॉस्ट रिस्क कैसे चाहिए बैलेंस्ड बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट साइज ऑफ कंपनी अगर आप सच में रिस्क बैलेंस लेते हो और कॉस्ट मिनिमम रखते हो तो ऐसे टाइम पर इस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं लिवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस कैपिटल स्ट्रक्चर कॉल्ड लिवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज क्या होता है एडवांटेज लिवरेज का मतलब क्या है बोलो एडवांटेज को फाइनेंस में क्या बुलाते हैं लिवरेज एवरीवन क्या क्या बात की है? हमने पैसा बिजनेस में आ चुका है पहला चीज क्या देखा आपने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या ऑप्शन है दूसरा क्या देखा कॉस्ट तीसरा रिस्क जो लिखा नहीं है इधर कॉस्ट कैसा चाहिए कॉस्ट रिस्क कैसा चाहिए बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी और अगर ये हो रहा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स को हम क्या बुलाते कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते क्या बुलाते कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से समझ रहे ना स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल टू इज टू इज वन यह क्या बन गया मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ विच फंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स क्योंकि ये ये डेट वाले लोग हो ये इक्विटी वाले हो या प्रेफरेंस वाले हो ये लोगों ने मेरे कंपनी को कौन सा पैसा दिया है लॉन्ग टर्म पैसा दिया है इन लॉन्ग टर्म पैसों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाएंगे और ये कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर रिस्क और कॉस्ट बराबर चल रहा है कॉस्ट मिनिमम बैलेंस तो क्या बुलाएंगे उसको एडवांटेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या बुलाते लेवरेज लेवरेज मतलब एडवांटेज थोड़ा सा समझ रहा है आई होप आई होप पहला दिन है एकदम पूरे एकदम एक ना एक वर्ड समझेगा नहीं बट समझ रहा मीनिंग समझा वॉट इज लेवरेज एडवांटेज वॉट इज कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ फंड लॉन्ग टर्म फंड इन द बिजनेस ठीक है नाउ पैसा बिजनेस में आ गया माइक ले लो क्या लगता है आपका रोल खत्म हो गया कशिश अभी तो शुरू है मेन है ना हेलो हाँ अभी फंड्स आ गए अभी उसको एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेज सेल्स एचआर हर जगह फंड्स एलोकेट होंगे फिर कहाँ कितना फंड्स एलोकेट करना फंड्स को इन्वेस्ट करना राइट right? इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या बोलाते बोलो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सो यहां पर आएगा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या टारगेट रहता है यूटिलाइजेशन के वक्त दिमाग में रिटर्न uh, कैसे चाहिए रिटर्न कैसे चाहिए हाई हाई रिटर्न चाहिए ऑफकोर्स जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप क्या देखते हो मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर कौन सा है ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क भी कैलकुलेट करते हो बट रिस्क के साथ साथ रिटर्न देखे जाएंगे और रिटर्न कभी भी हाई चाहिए एवरी वन सो रिटर्न शुड ऑलवेज बी डैश प्रेफर्ड हाई प्रेफर्ड एंड यहां पर आ जाता है यूटिलाइजेशन के ब्रैकेट में मैक्सिमम रिटर्न ये टारगेट है आपका तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने हाईलाइट किया लीस्ट कॉस्ट वहां पर रिटर्न को हाईलाइट किया क्या लिखा है मैक्सिमम रिटर्न कैन वी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम और रिटर्न जितने ज्यादा उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा yes. उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा क्या बात समझ में आ रही है yes. मैंने कितना पैसा लिया मार्केट से एक करोड़ सौ करोड़ हंड्रेड करोड़ हंड्रेड करोड़ क्या करना है बिजनेस में लगाना है और टारगेट क्या रखना है मैक्सिमम रिटर्न्स मिलने चाहिए जितना कॉस्ट ऑफ हंड्रेड करोड़ कम रहेगा और उसको इन्वेस्ट कर रिटर्न ज्यादा रहेंगे उतना मेरा डिफरेंस पॉजिटिवली ज्यादा रहेगा मेरा प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा ना सपोज हंड्रेड करोड़ आया इन्वेस्टमेंट किया फोर्टीन परसेंट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ नौ दस परसेंट है अच्छा है या बुरा है अच्छा है बट अगर एटीन परसेंट होता तो और भी अच्छा होता ट्वेंटी टू परसेंट होता तो रिटर्न और भी अच्छा होता इसका मतलब वी से ये गैप जितना बड़ा है उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ज्यादा है जेपा क्या सबको समझा गया उधर लास्ट बेंच हेड डाउन मत करो यार ब्लैक टी शर्ट शर्ट क्या है वो जागो मोहन भाई देखते देखते दिन निकल जाएंगे कितने दिन का क्लास है सत्तर दिन उसमें से एक दिन वेस्ट कर रहे आप सत्तर मिनट जैसे हो गए ध्यान दो आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है हमारे लाइफ में वो है ग्रुप टू सी इंटर Utilization should give you maximum returns. Utilization, दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं. कौन से यूटिलाईजेशन के कितने होते? दो होते कौन से दो एक जो बिजनेस में यूज होगा और एक जो इन्वेस्टमेंट होगा एक जो बिजनेस में यूज होगा मतलब डे टू डे बिजनेस में यूज होगा अगर मैंने जो वर्किंग कैपिटल हाँ वर्किंग के लिए यूज होगा हाँ क्या भी बोलते हैं वर्किंग के लिए यूज होने वाले कैपिटल को yeah. वर्किंग कैपिटल नाम से ही समझ रहे है? क्या ये लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है शॉर्ट टर्म होता है तो दूसरा क्या रहेगा लॉन्ग टर्म रहेगा रहे चलो बैलेंस शीट की भाषा में समझाता हूँ अकाउंट्स की भाषा में समझाता हूँ ध्यान दो मेरे क्लास में अगर आप गलती से भी मोबाइल ऊपर रख रहे हो और आप देख रहे हो ना मोबाइल में तो मेरे क्लास का रूल है वो मेरा गिफ्ट रहेगा नहीं मिलता वापस आपको सीधा सबमिट हो जाता पी एस अकेडमी में हमारे पास बहुत पैसे भी फोन कम गिरते हमको आपका आईफोन रहेगा बेस्ट है बाहर निकालो जितना भारी का फोन उतना मेरी खुशी ज्यादा रहेगी और यकीन मानिए आपका फोन ले लिया जाएगा फिर आपका फोन मेरे क्लास में आपके डेस्क के ऊपर नहीं चाहिए सर मैं देख नहीं रहा था सामने रखा था नहीं जरूरत नहीं है आपको बेटर रहेगा आपके आप बैग में रखो या तो बहुत ही प्यारा रहेगा तो जेब में रखो बट डेस्क के ऊपर मत रखो ठीक है ध्यान दो आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दो टाइप में इन्वेस्ट हो रहा है एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट की भाषा में अगर समझाऊं, तो थोड़ा दो मिनट के लिए सोचिए ये दो साइड क्या हमारी बैलेंस शीट के दो साइड है क्या ये दो साइड हमारी बैलेंस शीट के दो साइड है बोलो राधा ये जो प्रोक्योरमेंट साइड है ये कौन सा साइड है एग्जैक्टली कौन सा साइड है लाइबिलिटी साइड है एवरी वन एवरीबडी हा ना उधर से वो अभी ट्राई कर रहे ठीक है इमेजिनेशन पावर वर्क करेगा अभी आपका स्क्रीन बंद है बोलिए दो साइड आपके बैलेंस शीट के एक लाइबिलिटी एक एसेट यहां पर जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है वो क्या है लाइबिलिटी साइड है

शॉर्ट टर्म तो यूटिलाइजेशन में हम दो पार्ट्स करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑनलाइन में भी वो बोल रहे वॉइस थोड़ी लो है बोलकर एक बार चेक कर लोगे आप शॉर्ट टर्म वाला जो कैपिटल होता है इसको हम क्या बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल ब्लॉक हुआ है या इन्वेस्ट हुआ है उसे हम बुलाएंगे वर्किंग कैपिटल तो यहां पर फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हाट इज डब्ल्यू सी वर्किंग कैपिटल ठीक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटी में करना पड़ता है हर साल प्रॉफिट कमाया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज में हर साल कंपनी क्या कर रही है प्रॉफिट कमा रही है क्या यह प्रॉफिट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड सपोज इनको देना पड़ा है इंटरेस्ट दे देंगे ऑफकोर्स इन्होंने चॉइस तो ना दिया आपको उनको डिविडेंड देना है प्रेफरेंस वाला दे दोगे यस और इनको देने के बाद सबको गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स भी दे दिया है अब जो बचा किसका पैसा है आपका पैसा है इक्विटी वालों का क्या लगता है इक्विटी वाले लोग जितना बचा पूरा दे दू आपको क्या करना पड़ेगा फिर रिजर्व के लिए कुछ रखना रिजर्व आपको, आपको? हाँ। yes. पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड के तौर पे नहीं करेंगे क्या yes. करेंगे फिर थोड़ा थोड़ा आ, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल्स देखने के लिए थोड़ा थोड़ा अलग करके रिजर्व में रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज फ्यूचर के नीड के लिए लगेगा के लिए, yes और बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है yes. इसका मतलब कुछ पार्ट ऑफ योर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज कॉस्ट एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बट रिमेनिंग कुछ पार्ट इज केप्ट कंपनी एज रिजर्व डू यू अंडरस्टैंड दिस कुछ पार्ट रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए ग्रोथ एक्सपांशन के लिए Maybe एक नया ऑफिस खोलना है नया फैक्ट्री खोलना है नया मशीन लेना है कुछ गोल्स जो तुमने क्या बोले एसेट्स के लिए फिक्स एसेट्स के लिए और जो बचा पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इस फैसले को हम बुलाते हैं डिविडेंट वो कौन लेते हैं फाइनेंस मैनेजर कौन लेगा वो फाइनेंस मैनेजर लेगा कंपनी का फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है इसका मतलब ये भी डिसाइड कर रहा है कि डे टू डे वर्किंग में जो पैसा में हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में से कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटना है और कितना पैसा रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एवरीवन क्या पूरा पैसा रिटेन किया जा सकता है क्या पूरा पैसा रिटेन किया जा सकता है यस और नो हंड्रेड परसेंट यस कितनी सारी कंपनी जो डिविडेंड देती नहीं है फिर भी पब्लिक उसका शेयर खरीदती है यस yes. बहुत से कंपनीज है एप्पल बहुत कम डिविडेंड देता है माइक्रोसॉफ्ट इतने ग्रोइंग कंपनी बट डिविडेंड उनके बहुत ही कम होते हैं फिर सर पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करता है सर फिर पब्लिक इन्वेस्ट क्यों कर रहा है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए उनको मालूम है कि एक शेयर माइक्रोसॉफ्ट का आज जितने का है एक साल बाद उससे कई गुना मतलब ज्यादा रहेगा जितना अभी ले रहे हो उससे ज्यादा रहेगा रीजन बहुत सिंपल है ये कंपनीज को हाई ग्रोथ कंपनीज बोलती है बोलते हाई ग्रोथ वाली कंपनीज का केस क्या होता है ये लोग डिविडेंड देते ही नहीं है मैं आपके हाथ में देंगे तो आप कितने रेट से ग्रो करोगे दस बारह अरे इनका रिटर्न रिटर्न कितना पच्चीस तीस परसेंट रिटर्न है तो आपका ही पैसा आपके हाथ में चला गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट हाउ मच विल यू अर्न रिटर्न ऑन इट टेन ट्वेल्व परसेंट फिफ्टीन परसेंट इफ दैट यू एज डिविडेंट

समझे कि नहीं सो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो करना ही है फाइनेंस मैनेजर को बट फाइनेंस मैनेजर को एक और रोल निभाना है हर साल जितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसमें से सबको देने के बाद जो बचा उसमें से डिविडेंड कितना देना है और कितना प्रॉफिट रिटेन करना है इसको हम बुलाते हैं डिविडेंट डिसीजन एवरी वन अंडरस्टुड वॉट अबाउट लॉन्ग टर्म इसको हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं फाइनेंस में इसको बहुत ही फैंसी नाम है कैपेक्स कैपेक्स बोलते हैं कैपेक्स इज नथिंग बट नीवेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो कहीं पर अगर कोई बोलेगा ना आपको व्हाट इज योर कंपनीज कैपेक्स डरना मत वो आपको बस पूछे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है उनका स्टाइल सिर्फ ऐसा होता है थोड़ा सो व्हाट इज योर कैपेक्स हाँ तो कैपेक्स इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है क्या एक फाइनेंस मैनेजर ने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए या ऐसे ही कर देना चाहिए oh. सोच समझ के करना चाहिए बराबर ना yeah. सोच समझ के करना चाहिए बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे वर्किंग से भी ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन एनी वन टेल मी वाई यस माइक पास करो पीछे लॉन्ग टर्म को हम बुला रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है यहां पर हम लिख रहे हैं इम्पोर्टेंस बोलिए सर ऐसो मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है तो जो इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट जो अपन अर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए और उस टाइम जो ऑब्लिगेशन रहेगा सपोज कोई मशीनरी परचेस करनी है तो उसकी उस टाइम जो कॉस्ट रहेगी वो बीटअप होनी चाहिए तो उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग तो, से प्लानिंग किया तो बेटर है आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और से नेम कलश कलश आज इन्वेस्ट कर रहे हो रिटर्न्स कब आ रहे फ्यूचर में फ्यूचर में आ रहे कितने साल में आएंगे एक साल दो चार पांच दस बराबर ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की लाइफ होती है ना भाई कोई मशीन ले लिया तुमने तो क्या एक साल में छोड़ दोगे फेंक दोगे राइट ऑफ कर दोगे एटलीस्ट लाइफ इज ऑफ सेवन ईयर्स तो सेवन ईयर उसके रिटर्न आएंगे तो वट इज से जो रिटर्न फ्यूचर में आएंगे वो इन्फ्लेशन से ज्यादा तो होने चाहिए ना एवरी तो कहने से ये जो भी फैसले तुम ले रहे हो इसका इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म होने वाला है एवरीवन फैसला लिया जा रहा है आज मे बी रिटर्न या झेलना पड़ेगा अगले सात साल सही हुआ तो रिटर्न्स गलत हुआ तो झेलना पड़ेगा तो आज का फैसला इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं किस रीजन की वजह से लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन की वजह से जो भी फैसला तुम ले रहे हो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड एनी अदर रीजन वाई डू यू फील दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंपॉर्टेंट एनी वन एनी आइडिया बोलो है दिमाग में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंट है बैठ जाओ बैठ जाओ वेरी गुड वेरी गुड दे आर नॉट रिवर्सिबल आई विल से दे आर नॉट रिवर्सिबल मीन्स व्हाट वंस यू टूक अ डिसीजन ऑफ बाइंग अ मशीन आफ्टर फ्यू मंथ्स कैन यू से कि ये नहीं चाहिए अगर आप ऐसा मशीन को बाय करके वापस बोल दो कि बेच दो इसको नहीं चाहिए कैन वी रिवर्स दिस डिसीजन ऑफ बाइंग द मशीन बाइंग अ प्लांट नो वाई नॉट ह्यूज लॉसेस होंगे आपको तो ये फैसलों को क्या बुलाते हैं हम लोग इ रिवर्सिबल बुलाते हैं. क्या बुलाते बोलाते इिवर्सिबल इन नेचर तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकेंड पॉइंट इिवर्सिबल नेचर यस पहले तुमने बताया था हमने कमेंट में नहीं पढ़े अभी जस्ट ध्यान गया आपका कमेंट ठीक है फर्स्ट रीजन इज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन सेकेंड रीजन इज इिवर्सिबल थर्ड रीजन थ्री मेन रीजन देर आर एन नंबर ऑफ रीजन बट तीन इंपॉर्टेंट रीजन है कभी आपने एनालाइज किया बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स कहां पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है अधिकतर बिजनेसेस में फिक्स एसेट्स में करेक्ट है रीजन बहुत सिंपल है यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो एक्सपेंडिचर बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं मशीनरी है Machinery ये है वो है सब प्लांट प्लांट सब यूज इन्वेस्टमेंट होता है तो अगर आपके आज के फैसलों की वजह से कंपनी का यूज इन्वेस्टमेंट होने वाला है इतना बड़ा कैश आउटफ्लो जाने वाला है तो डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे यहां पर थर्ड रीजन को यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल आपके शादी के फैसले जैसे होते देख लो आप पहला रीजन क्या लिखा है लॉन्ग टर्म इंप्लिकेशन शादी का एक फैसला तुम आज लोगे आने वाले पूरी जिंदगी या तो आबाद नहीं तो बर्बाद होगा ना शादी का एक फैसला करेक्ट ले लिया आबाद एक फैसला गलत ले लिया आने वाले कई साल आपके बर्बाद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन समझा सेकेंड रीजन क्या लिखा है इन रिवर्सिबल इन नेचर इंडिया में तो सात जन्मों की शादी होती है भाई फिर इिवर्सिबल इन नेचर हो गया ना एंड तीसरा फैसला पॉइंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया की शादियों का खर्चा पता है आपको बिग फैट वेडिंग बोलकर एक प्रोग्राम आता है प्रॉपर क्योंकि इंडिया में शादियों पे इतना खर्च होता है शादी के बाद फकट हो के तो भी चलेगा शादी में खर्चा अच्छा होना चाहिए है ना वैसा इंडिया में कॉन्सेप्ट है भाई इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है जितना कमाया शादी में खर्च करो तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व अगर शादी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है क्या वो मतलब सच में अगर वो फैसला इरिवर्सिबल है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है तो क्या शादी का फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है ने? उसके लिए तो सीए कर रहे सर <laughs> तो अगर इतना इंपॉर्टेंट फैसला शादी का है तो वैसे सेम इंपॉर्टेंट फैसला आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी है रीजन भी पूरे वही है समझे तीन रीजंस? बोलो क्या क्या थे लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन इसिबल नेचर यूज इन्वेस्टमेंट याद क्या रखा रे तुमने शादी याद रखा क्या ऐसे धाड़ आंसर दे रहे हो एकदम विदाउट देखे गुड तो आपके पैसे जो है दो टाइप में इन्वेस्ट हुए एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस थ्री तो इसीलिए हर पर्सन ने क्या करना चाहिए हर फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना चाहिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस सोच समझ के लेने वाले फैसले के लिए आपके पास फाइनेंस में एक टूल है जिसको हम बुलाते हैं कैपिटल बजटिंग क्या बोलाते हैं कैपिटल बजटिंग ये टूल को यूज किया जाता है टू इवेल्युएट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर डू यू अंडरस्टैंड वर्ड इवेल्युएट द कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दो मशीन है मशीन ए मशीन बी कौन सा खरीदना चाहिए आप कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसाइड करते हो मशीन ए ऑलरेडी है बेचकर नया मशीन भी लेना चाहिए क्या कैसे डिसाइड करोगे कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसाइड करोगे मतलब इन शॉर्ट फिक्स एसेट्स रिलेटेड जो भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है आप किसकी मदद से करोगे कैपिटल बजटिंग की मदद से करोगे अंडरस्टूड? नाउ इन्वेस्टमेंट हो गया यूटिलाइजेशन हो गया इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न्स थे मैक्सिमम टारगेट क्या था मैक्सिमम रिटर्न्स। और यूटिलाइज प्रोक्योरमेंट के वक्त आपका टारगेट क्या था कॉस्ट होना चाहिए मिनिमम लीस्ट कॉस्ट ये एवरी ईयर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए हमारे पास थर्ड फंक्शन द लास्ट फंक्शन आता है और वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन क्या बोलते इसे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कंपनी का परफॉर्मेंस हर साल फाइनेंस मैनेजर चेक करता है हर साल बोलने से अच्छा हर पीरियोडिक टाइम के बाद जितना कंपनी का साइज बड़ा उतना उसका पीरियोडिसिटी कम मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोपरेटरशिप है मेरा बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं है नॉर्मल बिजनेस है तो मेरा ईयरली परफॉर्मेंस भी मेरे लिए बहुत हो गया बट किसी का टर्न ओवर पांच करोड़ है दस हजार करोड़ है और तुम बोल रहे हो ठीक है ईयर एंड पे देखते तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है ईयर एंड तक तो उनका इधर का उधर पूरा हिल जाएगा पूरा सिस्टम उसको तुमने क्या करना चाहिए एटलीस्ट क्वार्टरली उसका ऑडिट होना चाहिए इसलिए तो बड़े बड़े कंपनीज का क्वार्टरली ऑडिट होता है उसका पीरियोडिक इंटरनल कंट्रोल के लिए एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए अदरवाइज सिस्टम पूरा हिल जाएगा भैया पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली आपने पीरियडिसिटी छोटी रखनी चाहिए तो ऐसे परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहिए फाइनेंस मैनेजर द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए उसके पास क्या है नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी फाइनेंस मैनेजर विल यूज यू माइट एव हर्ड दिस वर्ड रेश सुना है क्या यह रेशो एनालिसिस यूज करेगा वो रेशियो एनालिसिस यूज करेगा और कंपनी का परफॉर्मेंस देखेगा वो टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम यह जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन है फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन है और ये पिछले 40 मिनट से जो हम बातें कर रहे हैं ये हमारा सी ए इंटर एफ का सिलेबस है ये हमारे चैप्टर्स है सी ए इंटर के जो भी हमने पढ़े देखे ये सब आप जिन जिन लोगों के पास बुक है ओपन कर सकते हो आप बुक बुक का इंडेक्स ओपन कर सकते हो अगर आप इंडेक्स पेज ओपन करोगे तो आपको समझेगा मिला क्या ये बुक सबको मेन बुक मिला आपको रोज कौन सी बुक लाना है सिर्फ ये बुक लाना है रोज जो लानी है सिर्फ एक बुक लानी है ये वाली ठीक है और ये एक बुक के अंदर आपको जो मेन इंडेक्स है वो इंडेक्स ओपन कीजिए आप अगर आप इंडेक्स ओपन करोगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपका मेन ये जो मैंने एफ हे, का हेडिंग लिखा है यही है इसके अंदर ये जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ा अपन ने ये सब थ्योरी पार्ट आपके इस चैप्टर में कवर्ड है सेकेंड चैप्टर आपके नोट्स में है वो है लेवरेज मिला क्या आपको तो ये चैप्टर नंबर टू है चैप्टर नंबर वन क्या है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर टू क्या लिखा है लेवरेज चैप्टर थ्री क्या लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर ये चैप्टर थ्री है चैप्टर फोर क्या लिखा है सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर ये एंड फोर्थ क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल ऑफ यू चैप्टर नंबर फाइव का नाम क्या है रेशियो एनालिसिस एवरी वन चैप्टर नंबर फाइव का नाम है रेशियो एनालिसिस सिक्स चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज टाइप ऑफ फाइनेंसिंग सेवेंथ चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग आइज कैपिटल बजटिंग एट्थ चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज योअर डिविडेंट डिस एंड द फाइनल नाइन्थ टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब अपना सिलेबस खत्म पहले ही दिन हमने देख लिया सिलेबस क्या क्या है है ना बेस्ट है ना आप पार्टी दे सकते हैं ना क्यों लगता है अगस्त फर्स्ट वीक तक भी जाना क्यों खत्म हो गया सिलेबस है ना काश क्लास सिलेबस ऐसा होता तो सिलेबस ये है ईच एंड एवरी थिंग वॉट यू आर राइटिंग चैप्टर नंबर इसमें डिटेल डिस्कशन हम लोग उस चैप्टर में जाके करेंगे कि वो क्या चीज होती है उसमें कैसे क्या होता है वो? और कैसे डिविडेंड के फैसले लिए जाएंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा कैपिटल बजटिंग क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तो बोलने के लिए सिर्फ मिक्स और कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली डिसाइड कैसे होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए बट वो कैलकुलेट कैसे होता है इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा होने चाहिए दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म कैसे लिए जाएंगे शॉर्ट टर्म कैसे लिए जाएंगे हर चीज डिटेल में इन चैप्टर्स के थ्रू हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट चीज किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहिए उसके इंडेक्स से दोस्ती कर लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है अचानक से कोई पूछता है वर्किंग कैपिटल देखा हो क्या तो होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में वर्किंग कैपिटल आता है ये तो पता होना चाहिए आपको फिर अपना कोई भी फ्रेंड कभी भी कुछ पूछे तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है भाई और उसमें कौन से टॉपिक की बात चल रही है तो एटलीस्ट हमारे एफ में जो नाइन उनके टॉपिक के नाम आपको पता चल गए स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवरेज का मतलब क्या बोला ने एवरीबडी एडवांटेज लेवरेज मतलब एडवांटेज तीसरी बात कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या बोला मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। एवरीबडी शुभम बोल भाई मेरे साथ बोल ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नथिंग बट एक ये डिविडेंट ये जो डिवेंट डेट होल्डर है इनको अपन क्या कॉस्ट देंगे इंटरेस्ट देंगे प्रेफरेंस वालों को क्या देंगे डिविडेंड देंगे आप इक्विटी वाले हो आपको भी डिविडेंड मिलेगा ये आप सब क्या रिटर्न है बट मेरे कंपनी का कॉस्ट है तो इस चैप्टर में सीखेंगे कि इनका कॉस्ट कैसे, कैसे कैलकुलेट होता है फिफ्थ चैप्टर क्या था रेशियो एनालिसिस आपने सुना होगा शेयर मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल तो ये जो सेकेंड टाइप है ना फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है रेशियो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सुना है ना आपने उसका एक पार्ट है रेशियो एनालिसिस देन सिक्स टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग आपको रेगुलर फाइनेंसिस पता है इक्विटी डेट प्रेफरेंस इस टॉपिक में आप सीखोगे मॉडर्न सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जैसे कि आपने इन दिनों सुना होगा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंजल इन्वेस्टर सुना होगा आपने ये सब टर्म्स इधर आएंगे क्राउड फंडिंग सुना होगा आपने ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे सेवेंथ टॉपिक है, है आपका कैपिटल बजटिंग मैंने बोला कब यूज होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के वक्त यूज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है क्या ये कितने रीजन हमने डिस्कस किए तीन रीजन डिस्कस किए पहला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है दूसरा इ रिवर्सिबल होता है तीसरा यूज इन्वेस्टमेंट होता है तो इसलिए सोच समझ कर यूज हमने इवेल्यूएट करना चाहिए फॉर इवेल्युएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वी यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वी यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जितना आप ये टर्म को यूज करोगे ना मेरे साथ बोलोगे ना उतना आपका कन्वीनियंस आपका कंफर्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ेगा क्या एफ सिर्फ एक पर्सन के लिए नया है क्या सबके लिए नया सब्जेक्ट है बट बिलीव मी मेरे साथ अगर तुम ये टर्म्स रेगुलर बेसिस पर बोलोगे ना तो एफ तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा इनफैक्ट जो अकाउंट जो लॉ तुम फाउंडेशन से पढ़ रहे हो उनसे भी ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएंगे ये क्योंकि इनके टर्म्स आप एवरी डे हमारे साथ डिस्कस करोगे एट टॉपिक अपन ने क्या बोला डिविडेंड का फैसला डिविडेंड डिस दे इंपॉर्टेंट ये क्या होता है डिविडेंट का डिसीजन लेना हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इसको एक और नाम है पता है आपको इसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किसको रिजर्व को रिजर्व जब कंपनी खुद के पास रखती है ना तो उसको क्या बोलते बोलो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यू बिलीव सी ए इंटर में एक क्वेश्चन पूछा गया था सी ए इंटर में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स क्राउड आउट ऑफ सिलेबस था कुछ लिखा नहीं छोड़ दिया क्या क्वेश्चन था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस क्या वर्ड यूज किया गया फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स फ्लोइंग बैक समझता क्या फ्लोइंग बैक का मीनिंग क्या होता है मन में खुद की तरफ ऐसा खींचना तो कंपनी एक प्रॉफिट कमाई है इन सबको बांट चुकी है तुम्हारे मेरे बीच वो प्रॉफिट का हिस्सा रखा हुआ है मैं कंपनी तुम शेयर होल्डर्स मैंने तुम्हें एक पार्ट दिया बचा हुआ खुद के पास रख लिया जो खुद के पास रख लिया वो क्या किया मैंने फ्लो बैक किया फार्मर को कभी आप फार्मिंग करते देखे हो तो वो भी तो फ्लो करता है ना खुद की तरफ बस वैसे ही कंपनी कर रहा है फ्लोइंग बैक ऑफ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जेपिंग क्या yeah. सबको समझ रहा है क्या एनी प्रॉब्लम एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला अपन ने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम देखेंगे डे टू डे एक्टिविटीज में हमें जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं समझे वट एवर यू आर ऑन स्क्रीन राइट नाउ वो आपको क्या करना है आपके पास रफ बुक है आपके पास रफ बुक है कोई वहां पे लिखोगे या तो डायरेक्टली आप फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स घर जाने के बाद वहां पर लिखोगे अभी नहीं घर जाने के बाद एज होमवर्क अभी फिलहाल के लिए आपको लिखना है आप रफ पेज में मेरे साथ लिख सकते हो क्या लगता है लिखने की जरूरत है याद रहेगा आपको कितने पार्ट से इस डायग्राम के तीन पार्ट से पहला प्रोक्योरमेंट दूसरा यूटिलाइजेशन तीसरा परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कैन वी डू वन थिंग यू विल ट्राई दिस एज होमवर्क एंड टुमारो वेन यू विल कम यर अगेन आई एल राइट एंड वी विल डिस्कस और आई कैन अगेन शो यू प्रॉपरली फेयर में और लिखेंगे नो no डाउट आपका कुछ पॉइंट छूटेगा कुछ पॉइंट आपने कम लिखा रहेगा ज्यादा लिखा रहेगा करेक्शन कल कर लेंगे बट होमवर्क करोगे आज विदाउट देखे देखने के लिए कुछ है ही नहीं वैसे भी वीडियो देख सकते हो हाँ आपकी दुनिया में ऑप्शन भी इतने आ गए ना हर चीज में आपको ऑप्शन की आदत होगी ना तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप, आपकी मेमोरी पर विश्वास करो आपको ये सब आएगा मैं बोल रहा हूं ना आएगा ठीक है करोगे कल आज लिख कर लाओगे तो डे वन ऑल्सो यू अ होमवर्क व्हाट इज द होमवर्क? सिलेबस ओवर व्यू इसको नाम क्या दोगे आप सिलेबस ओवर व्यू और नीचे क्या लिखोगे फाइनेंस मैनेजर और चालू हो जाओगे आप ठीक है सो लेट अस स्टॉप हियर गाइस एंड 5:30 तक क्लास है 4:30 हो चुका है ऑलमोस्ट चार मिनट बाकी है तो सर अभी आएंगे सो अमित सर का क्लास होगा सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई जितने लोग ऑनलाइन हो सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई ठीक है वॉइस लो है वो जो भी है हम लोग कर लेंगे नोट्स का एक्सेस का रिक्वेस्ट ओके सीएमए के लिए यही क्लास है बेटा सी ए सीएमए सबका कॉमन सिलेबस है तो यही क्लास रहेगा सीएमए के लिए भी ठीक है चलिए विल स्टॉप फॉर द डे, बाय बाय फ्रेंड्स सी यू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुमारो अगेन एंड यू विल ऑल कंटिन्यू विद एस पार्ट Thank you.